हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब आई क्यू। पंजाब आई क्यू दी इस स्पेशल वीडियो दे विच अज आपां डिस्कस करांगे पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क दा क्वेश्चन पेपर। यह पेपर 29 अगस्त 2021 नूं पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क पोस्ट दे लई ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया सी। इस पेपर दे विच टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए सी, जिस दे विच पहले जो 15 क्वेश्चन सी यह पूछे गए सी कंप्यूटर तो, उस तो बाद 30 क्वेश्चन आपां पूछे गए सी रीजनिंग प्लस मैथ तो, उस तो बाद 25 क्वेश्चन आपां पूछे गए सी जनरल अवेयरनेस प्लस बैंकिंग तो, और अगले 15 क्वेश्चन पूछे गए सी पंजाबी व्याकरण तो, और लास्ट के जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वह पूछे गए सी इंग्लिश ग्रामर तो। यह हो गए टोटल 100 क्वेश्चन जिन्हों आप कवर करांगे इस वीडियो के डिटेल के। इस वीडियो दे विच जिहड़ा आपां सैट सॉल्व कर रहे हैं वह है सैट नंबर सी। तुसी अपने सैट दे अकॉर्डिंग इस पेपर नूं सॉल्व कर सकदे हो। यह पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क दे पेपर दी वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करदे हां बिना कोई टाइम वेस्ट किते। पहले जो 15 क्वेश्चन ने कंप्यूटर दे ने उन्हां नूं कवर करदे हां। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पुछा गया सी जावा विच इज़ यूज इन कंप्यूटर बेसिकली आ, यानी आपां नूं पुछा गया है जो जावा है यह कंप्यूटर दे विच यूज़ की जाती है यह की चीज़ है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्एज है, इस करके आंसर बनूगा अपना इस क्वेश्चन का प्रोग्रामिंग लैंग्एज बी ऑप्शन। सैकेंड क्वेश्चन पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इंट्रैक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी आपां नूं पूछा गया है किहड़ा सॉफ्टवेयर है जो कि इंट्रैक्शन प्रोवाइड करता है किस दे विचकार, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दे विचकार। इन्हां दे विचकार जो इंट्रैक्शन करवाउंदा है वह करवाउंदा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही उत्तर अपना डी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। उस तो बाद आपां नूं पुछा गया थर्ड नंबर क्वेश्चन दे विच फुल फॉर्म ऑफ OCR, OCR दी फुल फॉर्म पुछा गया है। OCR दी जो सही फुल फॉर्म आपां नूं दित्ती गई है वह दित्ती गई है ऑप्टिकल कार्ड रीडर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना बी ऑप्शन ऑप्टिकल कार्ड रीडर। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इस दे विच बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा गया आपां नूं, इस 56 नूं आपां बाइनरी नंबर दे विच किस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इस दे लई आपां नूं प्रॉपर टेबल बनाना पैंदा है किस तरह आपां इस नूं सॉल्व करदे हुंदे आ, देख लो तुसीं। ठीक है, इत्थे आपां लिखांगे 56, इस 56 नूं आपां ने डिवाइड करना है 2 दे नाल। जदों 2 नाल डिवाइड करांगे तां अपने कोल की आ जाऊगा 28, इत्थे अपने कोल रिमाइंडर की बचा 0, तां आपां 0 लिख लांगे। ठीक है, उस तो बाद 2 नाल फिर डिवाइड करांगे तां इत्थे किन्ना आ जाऊगा 14, फिर अपने कोल कोई रिमाइंडर नहीं बचा तां आपां 0 लिख दांगे। ठीक है, उस तो बाद 2 नाल फिर डिवाइड कर देंगे तो इतने किन्ने आ जाऊगा 7, इतने भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो 2 3 6, इतने अपना 6 डिवाइड हो चुका बट 1 बच चुका तो आप 1 इतने लिख लेंगे। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो फिर तो आप 2 नाल डिवाइड कर देंगे तो इतने किन्ना आ जाऊगा 1 आ जाऊगा, इतने अपने को 1 रिमाइंडर बच गया क्योंकि 2 तो डिवाइड हो गया, 1 रिमाइंडर बच गया तो 1 इतने आ जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद आप इस किवें लिखते हुए इसका फॉर्मूला है इतों आप स्टार्ट करते हुए। ठीक है, इसनों लिखा ठीक है, इसनों लिखा इन सारे डिजिट्स में आप लिख लेंगे एक बार। किवें लिखांगे देखो, सब तो पहले लिखांगे आप 1, उस तो बाद फिर 1 लिखांगे, फिर 1 लिखांगे और 000, यानी 111000, यह अपना सही आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सही उत्तर किहड़ा बनेगा अपना, ए ऑप्शन बनेगा 111000, यह बाइनरी इक्विवेलेंट होएगा इस 56 डेसिमल नंबर का। इस आंसर किहड़ा बनेगा अपना ए ऑप्शन 111000। उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, दिस इज नॉट एनी क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इन्हों के कोई क्लासीफिकेशन है जी कंप्यूटर के नहीं आता। सुपर कंप्यूटर भी एक टाइप है कंप्यूटर का, माइक्रो भी है, मिनी भी है, बट मेन फ्रेम होता है, बट इतने दिता गया अपन मेन फर्म। अपने ध्यान पढ़ना से इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर बनूगा अपना डी ऑप्शन मेन फर्म। मेन फर्म कोई भी किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर नहीं होता, इस आंसर बनूगा अपना डी ऑप्शन। नैक्सट देखो विच वन इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रिंटर, इन्हों के कि प्रिंटर नहीं है, यानी किसी भी प्रकार का कोई प्रिंटर नहीं है इन्ह चारा वह आपने फाइंड करना है। उसका आंसर बनेगा अपना ड्रोल। इंकजेट भी होंगे, डेजी व्हील भी होंगे, डॉट मैट्रिक्स भी होंगे, बट ड्रोल कोई भी प्रिंटर की टाइप नहीं होंगे, इस करके आंसर बनूगा अपना बी ऑप्शन ड्रोल। उस तो बाद नैक्सट देखो सैवंथ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ कंप्यूटर लैंग्एज, इन्हों के कि कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कंप्यूटर लैंग्एज कि नहीं है, कोबोल भी है, फोरट्रेन भी है, C++ भी है, बट ओपैट नहीं है। आंसर बनेगा अपना डी ऑप्शन OPAT, ओपैट, इस आंसर बनेगा डी ऑप्शन। पेनड्राइव यूज इन कंप्यूटर इज़ आ, यानी जो पेनड्राइव है कंप्यूटर के आप यूज़ करते हैं एक की चीज़ है।
ठीक है। एक स्टोरेज डिवाइस है, अपन सबन पता है पेन ड्राइव आप कंप्यूटर के यूज करते हैं, ठीक है। एक स्टोरेज डिवाइस है, तो आंसर बनूगा अपना सी ऑप्शन, स्टोरेज डिवाइस आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, इन्हों के बीच कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये अपने फाइंड करना है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है, बट जो लाइट पेन है यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन लाइट पेन। नेक्स्ट देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, ठीक है, यह प्रोडक्ट है किसका प्रोडक्ट है, यह प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है विंडो 10, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ 256 GB कैपेसिटी, यानी ये अपन पूछा गया है मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज जो है कंप्यूटर के जी आप यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी कपैसिटी होंगी है 256 GB, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टोरेज जी कंप्यूटर के यूज की जाती है उसका नाम पूछा गया, उसका नाम है SSD, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन SSD। SSD की फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो अपने ये भी याद रखना इसकी फुल फॉर्म की है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, यह फुल फॉर्म किसकी है SSD की, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। वैन की फुल फॉर्म पूछा गया है वाइड एरिया नेटवर्क होएगा इस क्वेश्चन का आंसर, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पूछा गया है दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ नंबर सिस्टम, इन्हों के चारों के केड़ा एक काइंड नहीं है नंबर सिस्टम का, ठीक है, ऑक्टल भी है, हेक्साडेसिमल भी है, बाइनरी भी है, बट बूल नाम का कोई भी नंबर सिस्टम नहीं होता, आंसर की बनूगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन बनूगा बूल। उस तो बाद नेक्स्ट पूछा गया अपन ये कि वैलिड ईमेल ID नहीं है, ठीक है, अपन ध्यान पढ़ना है कि वैलिड ईमेल ID नहीं है, ठीक है, इस दे जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ए ऑप्शन, इस दे भी आपने एट द रेट ऑफ यूज़ नहीं किया, इस करके आंसर कि बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन बनेगा। बाकी तीनों अपन बिल्कुल सही दिते गए हैं, बट अपन नोट वैलिड ईमेल ID पूछा गया तो आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन xyz.yahoo.com, आंसर बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 15 नंबर क्वेश्चन, दिस सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स द हाई लैवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू लो लैवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी ये पूछा गया अपन कौन सा सॉफ्टवेयर है जिहड़ा कि हाई लैवल लैंग्वेज नू प्रोग्राम नू कन्वर्ट करता है लो लैवल लैंग्वेज दे विच और लो लैवल नू कन्वर्ट करता है हाई लैवल दे विच, ठीक है। अपन पूछा गया है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यह काम करता है, ये करता है कंपाइलर, ठीक है, तीनों होंगे ने असैम्बलर होंगे कंपाइलर होंगे इंटरप्रेटर होंगे, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन कंपाइलर। यह 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए जो अपने कवर कर ले, ठीक है। उस तो बाद जो रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वानिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ने जेडे 30 इन्हों कवर करते हैं आप, ठीक है। सब तो पहला 16 से 17 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा ये अपन ब्लड रिलेशन तो पूछे गए हैं दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इस दे विच अपन अलग अलग इन्हों के मतलब दिए गए हैं, जिवें ए प्लस बी का मतलब की है ए इज़ द सन ऑफ बी, ए इंटू बी का मतलब की है यानी मल्टीप्लीकेशन सिंबल का मतलब की है, ए इज़ द ब्रदर, ब्रदर मतलब है, ठीक है। इन्हों अपने यूज़ करना है इन दोनों क्वेश्चन के, ठीक है। सब तो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, इस दे विच पी इंटू आर दिता गया है, इंटू का मतलब क्या है यानी मल्टीप्लीकेशन के सिंबल का मतलब क्या है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, यानी जो पी है ये ब्रदर है किसदा आर दा, ठीक है, जो पी है यह ब्रदर है किसदा आर दा, ठीक है। उस तो बाद नेक्स्ट देखो इतने है डिवाइड सिंबल अपन दिता गया है डिवाइड का सिंबल, ठीक है, डिवीजन का, डिवीजन सिंबल का मतलब क्या है ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी इस दे विच जो आर है यह की हो जाएगी मदर, यानी इस दे विच जो पहला वाला डिजिट है वो की है मदर, यानी आर की होगी ये विच मदर होगी किसकी क्यू दी, आर की होगी मदर होगी किसकी क्यू दी, तो इतने अपने यह फैमिली ट्री है जिहड़ा ये अपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। इस दे विच अपने फाइंड करना है इन्हों दे विच केड़ा सही अपन दिता गया, इसका मतलब भी पूछा गया अपन वैसे, ठीक है। इस दे विच जो इसका मतलब दिता गया अपन वो दिता गया है पी इज़ द पैटर्नल अंकल ऑफ क्यू, क्योंकि अपन पता है पी जो है यह की एक यह है अंकल किसदा, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन पैटर्नल अंकल नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने इसका ब्रदर होंदा तो इस केस दे विच पैटर्नल हो जाता, क्योंकि यह जो है यह इसकी माता है क्यू दी आर, ठीक है, आर दा आर दी जो पी है यह की है इसका ब्रदर, इस करके इतने की बनेगा पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू, इस करके आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन के आपू फिर तो आपने इस क्रिएट करना है फैमिली ट्री, ठीक है। सब तो पहला इक्वल टू सिंबल दिता गया, इक्वल टू जो सिंबल है इसका मतलब की है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी जो इतने पी है यह सिस्टर है किसकी आर दी, पी जो है यह सिस्टर है किसकी आर दी, ठीक है। प्लस का जो मतलब है वो की है, जो प्लस सिंबल है इसका मतलब की है ए इज़ द सन ऑफ बी, यानी जो आर है यह सन है किसदा
क्यों दा, तो इतने क्या आजगा क्यों आजगा, इतने जो आर है यह की है, यह है सन ऑफ क्यों, ठीक है, इतने अपने को सन बन गया, ठीक है। इस दे विच इसका मतलब आपको पूछा गया है, इस दे विच जो इसका सही मतलब आपको दिता गया है वह दिता गया है पी इज़ द डॉटर ऑफ क्यों, यानी जो पी है यह आर की होगी सिस्टर, जो क्यों का बेटा है कौन है आर, इसकी जो सिस्टर होएगी यह इसकी की होएगी बेटी होएगी, यानी पी जो है कि यह डॉटर है किसकी, क्यों दी, इस करके आंसर की बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, पी इज द डॉटर ऑफ क्यों। नेक्स्ट देखो 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन के आपको पूछा गया है एक मेल ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी दी गई है 150 मीटर की, एक मेल ट्रेन है, ठीक है, मेल ट्रेन आप लिखते हैं एम टी के नाम, इसकी लेंथ कितनी है 150 मीटर, ठीक है, जो कि एन तो एस की तरफ जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और एक गुड्स ट्रेन है जिसनों आप रिप्रजेंट कर लेने एम जी के नाल, एम जी के नाल, ठीक है, और पैरेलल ट्रैक पर चल रही है वो, एस तो एन की तरफ जा रही है वो, ठीक है, वह जा रही है एस तो एन की तरफ, ठीक है, एस तो एन की तरफ, यानी ये दोनों की ने ओपोजिट डायरेक्शन के जा रही ने, यह एन तो एस जा रही है, यह एन तो एस जा रही है, ठीक है, यह दोनों ओपोजिट डायरेक्शन के हो गया, ठीक है। उस तो बाद अपन की क्या गया है, इस दे विच जो इसकी डायरेक्शन है यह अपन दी गई है, और इसकी स्पीड कितनी दी है 3/4 ऑफ द स्पीड ऑफ मेल ट्रेन, यानी जो इतने अपन मेल ट्रेन दी गई है इसका 3/4 इसकी स्पीड है, इसकी स्पीड कितनी बन जाएगी 3/4, 60 गुना की कर देंगे अपन 3/4, 4 × 4 = 15 × 60, 15 × 3 = 45, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा इस गुड्स ट्रेन की, ठीक है। हुण ये दोनों ट्रेन्स ने जिहड़ियां ओपोजिट साइड के उपर जा रही ने, यानी एक एन तो एस की तरफ जा रही है, एक एस तो एन की तरफ जा रही है, ठीक है। इतने आप रैलेटिव स्पीड अगर कढ़ना चाहिए तो अपने को रैलेटिव स्पीड कितनी आजगी 105 आजगी, दोनों अगर आप ऐड कर दिए तो अपने को स्पीड कितनी आजगी 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यह अपने को रैलेटिव स्पीड आ चुकी है। और आपको यह क्या गया है, जो मेल ट्रेन है इसनों यह कट दिंदी है, क्रॉस कर दिंदी है किन्ने टाइम के 18 सैकेंड्स के, तो आप इतने की करा 105 लिखा सब तो पहला, उस तो बाद आपको इतने सैकेंड्स के या मीटर के आंसर दिता गया, तो आप इसको 105 में सब तो पहला कि कन्वर्ट करा मीटर पर सैकेंड के, इसलिए आप 5/18 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उस तो 18 सैकेंड लगने तो इतने आप लिख लेंगे 18 सैकेंड, ठीक है, 18 के 18 कैंसल, इतने अगर आप मल्टीप्लाई कर लिए इतने कितनी वैल्यू आ जाएगी 525, ठीक है, 105 में 5 मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी है 525, ठीक है। उस तो बाद आपको दी गई है जो मेल ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 150 मीटर, आपको कि पूछा गया जो गुड्स ट्रेन की लेंथ है वो पूछा गया, तो आप की करेंगे इस माइनस कर देंगे कितनी 150, ठीक है, 150 माइनस कर दिए तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 375, ठीक है, 375 की होगी, इतने अपनी गुड्स ट्रेन जो है इसकी लेंथ आ गई, लंबाई आ गई, तो आंसर इस क्वेश्चन का की बनेगा, वो बनेगा अपना बी ऑप्शन 375 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी, आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो 19B नंबर क्वेश्चन, 19B नंबर क्वेश्चन रिलेटेड आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, ठीक है, इस दे विच आपको की क्या गया है, इन एन इंस्टीट्यूशन पार्शियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन जेंडर वाइज परफॉर्मेंस ऑफ MBA स्टूडेंट्स, यानी MBA स्टूडेंट्स जो ने इन्हों के रिलेटेड आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, यानी ये थोड़ी बहुत अपन इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ कंडीशन दी गई ने, इन्हों अपने इस फिल करके इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। सब तो पहले अगर देखिए आप क्या गया, आपको फस्ट ए क्या गया है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड, यानी हाफ जोड़े स्टूडेंट्स ने जो एक्सीलेंट ने ज गुड ने, यह क्या गया है। उस तो बाद 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर फीमेल्स, यानी जो जो फीमेल्स ने, यानी स्टूडेंट्स फीमेल्स ने जो वो कितने ने 40%, 40% की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 32 दे रखी है, ठीक है, इस कितने मल्टीप्लाई करके 32 आऊगा 8 नाल, तो इतने अपने को 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 8 = 48, यानी 48 अपने को आ गए, इतने अपने को मेल आ गए, तो इतने आप लिख सकते हैं मेल 48 की आ गए मेल, और टोटल कितने हो गए 32 × 48 कितने हो गए 80, ठीक है, जो अपना सैकेंड जो स्टेटमेंट का इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने कवर कर ली। उस तो बाद 1/3 ऑफ द मेल स्टूडेंट्स वर एवरेज, यानी इस जो 1/3 जो मेल स्टूडेंट ने वो कि ने एवरेज ने, इसका 1/3 कटा 48 × 1/3 1/3 16 × 48 तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 16, ठीक है, एवरेज कितनी आ गई 16, इतने अपने 16 फिल करता, ठीक है। अगर आप देखिए इतने 48 वैल्यू दी गई है, इन्हों का सारा सम कि बनता 48 बनता है, इतने 16 ए आ गया 10 ए आ गया 16 × 10 = 26, 48 के 26 माइनस किया तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई, ठीक है, इतने वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई, अगर इतने 22 है तो इन्हों दोनों का सम कि बनता है 30 बनता है, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपनी 8 आ गई, ठीक है। उस तो बाद आपको क्या गया है फस्ट के
हाफ द स्टूडेंट्स वर आइदर एक्सीलेंट और गुड। ये अगर आप देखिए गुड का बन नहीं सकते, इतने अपने को एक्सीलेंट बन चुके हैं। अगर इन्होंने दोनों देखिए आप हाफ हाफ का मतलब की है, अस्सी का हाफ कि बन जूगा 40, 30 बन चुके हैं, 10 बन चुके हैं, यानी इतने की आजगा 0 आजगा। ठीक है, इतने वैल्यू नहीं आ गई अपनी 10। ठीक है, इतने अगर 10 आ गई तो इतने इन दोनों का सम कि बनता है 40, और इतने कि आजगा ऑटोमैटिकली अपना इतने आजगा 40। ठीक है, अगर इतने 40 लेना तो इतने आपको कि ऐड करना पेगा 24। अपना जानी पूरी की पूरी जी पजल है वो सॉल्व हो चुकी है, सारी अपने इनफॉर्मेशन मिल चुकी है। ठीक है, ये अपनी सारी की सारी जी इनफॉर्मेशन है फिल कर ली, सारी की सारी अपने सॉल्व कर ली। हूँ आप क्वेश्चन देखते हैं आपको की पूछा गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन के आप पूछा गया है वट प्रपोर्शन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स आर गुड, यानी किन्ने प्रपोर्शन है जोड़ा वह फीमेल स्टूडेंट्स का गुड है। ठीक है, ये आपको पूछा गया। अगर आप देखिए इस फीमेल के गुड किन्ने ने 8, टोटल किन्ने ने इतने अपने को टोटल जो ये गर्ल्स ने यानी फीमेल्स ने कि 32। तो इतने अपने प्रपोर्शन करना है तो आप करा इस आप कर देंगे 8/32। ठीक है, 8 × 8 = 32, 1/4, 1/4 का मतलब क्या 0.25, 0.25 है आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन 0.25, यही अपन क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया। उस नैक्सट देखो बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन की पूछा गया वट परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स आर मेल्स, यानी इस पूछा गया है वट परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स आर मेल्स, किन्ने परसेंट एवरेज स्टूडेंट्स ने जो मेल्स ने। ठीक है, अगर आप देखिए मेल्स किन्ने ने, मेल्स ने अपने कुल एवरेज स्टूडेंट 16। ठीक है, टोटल किन्ने ने 48 ने, बट आपको की पूछा गया है इस पूछा गया इस वट परसेंटेज ऑफ एवरेज स्टूडेंट्स आर मेल्स, एवरेज स्टूडेंट्स टोटल किन्ने ने, टोटल मेल 48 ने, बट आपको एवरेज के जो परसेंटेज वह पूछा गया तो इतने टोटल किन्ने ने अपने को 40, तो आप की करा 16/40 गुणा कर देंगे 100 दे। ठीक है, 8 × 16 8 × 5 = 40, 5 × 1 = 5, 20 × 5 = 100, तो इतने अपने को वैल्यू कितनी बन गई 20 × 40 यानी 40%, यानी इस क्वेश्चन आंसर कितना बन गया अपना 40% बन गया, 40% बन गया, 40% बन गया, इस आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 40%। वधिया लैवल का क्वेश्चन ये पूछा गया सी इस पेपर दे विच। ठीक है, इस तो इलावा साढ़े द्वारा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक स्पैशल कोर्स डिजाइन किया गया है जो कि तुहानू कलर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट के हेल्प करेगा। इस दे विच आपां कंप्लीट सिलेबस इस कोर्स के कवर करांगे डिटेल दे विच, क्योंकि तुहानू पता है इसका जो ऑफिशियल नोटिस है यह साइट के उपर आउट हो चुका है। टोटल 745 पोस्टां ने जिहड़ियां वह आउट होने जा रही ने कलर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट दियां। ठीक है, इस दे विच जो भी सिलेबस मैनशन किया गया है वह आप सारा कवर करांगे इस कोर्स के डिटेल दे विच। यह तुहाडे लई एक सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है। क्यों गोल्डन चांस है? अगर आप गल करिए SBI कलर्क की या फिर IBPS कलर्क की या फिर RBI के किसी एग्जाम की गल करिए, ठीक है, इसनों कंपैरिजन आप कर रहे हैं पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क के नाल। अगर आपने SBI के IBPS के या फिर RBI के नौकरी लेनी है कलर्क लैवल की, तो उस सब तो पहला आपको 1 घंटे के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे प्रीलिम एग्जाम के 100 क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करने 1 घंटे के। ठीक है, इस दे विच मैरिट बनूगी जो कि कट ऑफ बनेगी, एक कट ऑफ क्लीयर करने तो बाद आपां नूं दूजे एग्जाम दे विच बिठाया जाएगा, यानी मेन एग्जाम होगा उस तो बाद। ठीक है, जो स्टूडेंट मेन एग्जाम दे विच क्लीयर करेगा, मेन एग्जाम दे विच क्वालीफाई करेगा, उस बच्चे नूं ही जिहड़ी कलर्क लैवल की नौकरी है वह प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल बैंक दे विच, चाहे वह SBI होवे, IBPS होवे या फिर RBI होवे। बट पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के केस दे विच इस तरह नहीं है। इस दे विच तुहानू सब तो पहला 1 घंटा मिलता है, इतने तुहानू 2 घंटे मिलणगे। ठीक है, पेपर अटैम्प्ट करने के लिए तुहानू 2 घंटे मिलणगे 100 क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट करने के लिए, सब तो वड्डी खास गल है इस दे विच। ठीक है, उस तो बाद इस दे विच कोई मेन का चक्कर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग्जाम हुंदा है, कोई अपन मेन देने की जरूरत नहीं, यानी दूजा कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सिंगल एग्जाम देना है। उसनों अगर अपने क्लीयर कर लिया तो अपन सीधा नौकरी मिल जाती है। ठीक है, जिमें तो 2021 दिता देखा होएगा, 2021 तो एग्जाम भी दिता होएगा। ठीक है, उस दे विच तुहाने लैवल भी देख लिया होएगा किस तरह का लैवल हुंदा है। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम ओरिएंटेड जिहड़ा कंटेंट है वह इस कोर्स के कवर करांगे, इसलिए आप कह सकते हैं यह जो कोर्स है 100% सिलेक्शन कोर्स होएगा। इस दे विच जो कंटेंट तुहानू प्रोवाइड किया जाऊगा सिर्फ और सिर्फ तुहाने उही कवर करना है। ठीक है, होर कितों तुहानू कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पेगी। ठीक है, बिल्कुल आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है जिहड़ा वह इस कोर्स के कवर करांगे, 100% सिलेक्शन कोर्स होएगा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं इसके चार्जेस किन्ने ने। इस कोर्स के जिहड़े चार्जेस रखे गए हैं वह रखे गए हैं 3000 रुपीज़, 3000 रुपये, बट तुहानू 3000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है,
डिस्काउंट दिता जाएगा 1201 रुपए का, 1201 रुपए का डिस्काउंट दिता जाएगा तुहानू इस कोर्स के विच। और तुहानू जिहड़े चार्जिस पैणगे वह पैणगे इस कोर्स के, किन्ने पैणगे 1799 रुपए, 1799 रुपए चार्जिस पैणगे तुहानू इस कोर्स के। ठीक है, आपां इह कह सकदे आं इह जो कोर्स है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्टेंट होएगा इस कोर्स के। ठीक है, 100% तुहानू सिलैक्शन है जिहड़ा इह करवा सकदा है इस बैंक जॉब के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1799 रुपए चार्जिस होंगे। और याद रखना है यह जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 100 जिहड़े बच्चे ने उन्होंने ही 1799 रुपए दिता जाऊगा। बाद इस जे चार्जिस ने वो इनक्रीज कर दिए जाएंगे, यानी पहले जिहड़े 100 स्टूडेंट होंगे उन्होंने यह जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ 1799 रुपए के प्रोवाइड किया जाएगा। यह कोर्स तुहानू कित्थे मिलेगा? यह कोर्स तुहानू साडी एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम है पंजाब IQ। पंजाब IQ एप्लीकेशन का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, उतो डायरैक्ट तुसी इस जिहड़ी एप्लीकेशन इसनों डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर तो भी तुसी सर्च करके इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। उस दे विच सब तो उपर तुहानू इह कोर्स मिल जाएगा, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स। ठीक है, उत्थे तुहानू शो कर रहा होएगा 1799 रुपए, उतो तुसी पे करके इस कोर्स नू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स दे विच आपां वीडियो क्लासेस कवर करांगे, ते नाल ही तुहानू जो वीडियो क्लासेस दे विच प्रोवाइड किया जाएगा मटीरियल वह तुहानू PDF स्टडी नोट्स के रूप दे विच दिता जाएगा। ठीक है, यानी जो वीडियो क्लासेस तुहानू वीडियोज़ प्रोवाइड कीतियां जाणगियां, ठीक है, वीडियो क्लासेस उसके जिहड़े नोट्स होणगे वह तुहानू PDF फॉर्मेट दे विच प्रोवाइड कीते जाणगे, जिन्हां नू तुसी डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट भी तुसी उन्हां नू करवा सकते हो। ठीक है, यह सी अपनी कंप्लीट कोर्स की डिटेल। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो वह जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पहले 100 स्टूडेंट्स नू ही यह जिहड़ा कोर्स है 1799 रुपए दे विच प्रोवाइड किया जाऊगा। बाद विच इस दे जिहड़े चार्जस ने वह इनक्रीज़ कर दिते जाणगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, ठीक है, डायरैक्ट बाय करन दा लिंक भी मिल जाएगा और डायरैक्ट तुसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यानी तुसी डायरैक्ट बाय भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एक लिंक बाय का दिता होएगा और एक लिंक तुहानू दिता होएगा अगर तुसी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो तुसी उत्थों भी बाय कर सकते हो। यह सी कंप्लीट डिटेल इस कोर्स के बारे। अगर कोई डाउट होवे तां तुसी इस नंबर ते कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7009868826। नैक्सट आपां कंटिन्यू करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन तो। 21 नंबर क्वेश्चन विच आपां नूं कहा गया है अगर 24 जून 2021 नूं कहिंदे थर्सडे है, ठीक है, 24 जून 2021 नूं की है थर्सडे। ठीक है, आपां नूं की पूछा गया है 24 जून 2019 नूं कहिंदे दसो की होएगा। ठीक है, 24 जून 2019 नूं किहड़ा दिन होएगा? अगर आपां 2020 दे विच देखिए सब तो पहला, ठीक है, इस तों प्रीवियस ईयर दे विच जाइए तां 24 जून 2020 आ जूगा। 24 जून 2020 नूं किहड़ा दिन होगा? एक दिन आपां रिड्यूस कर देंगे, एक दिन घटा देंगे, तो इत्थे की आ जूगा? इत्थे आ जाएगा अपने कोल वैडनसडे। ठीक है, वैडनसडे अगर आपां देखिए 2020 की है लीप ईयर, इहदे विच एक दिन वध हुंदा है, तो इत्थों आपां ने 2019 दे विच जाणा है, तो इत्थे 2 डे माइनस कर देंगे, वैडनसडे दे विचों 2 दिन माइनस करांगे तो की आ जूगा? मंडे आ जूगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बन जूगा? ए ऑप्शन, मंडे यानी सोमवार। ठीक है, नैक्सट देखो 22 नंबर क्वेश्चन। A person asked how many persons were there inside the theater. I said, यानी एक person नूं पुछा गया जो थिएटर दे विच किन्ने persons ने, ठीक है, उन्हां दे बारे संख्या, उन्हां दी संख्या पुछा गया। ठीक है, उस तो बाद I said all children except 50, ठीक है, यानी all children except 50, ठीक है, उस तो बाद all men except 200 and all women except 110. According to my statements, हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन साइड द थिएटर, यानी थिएटर के किन्ने बच्चे ने, किन्ने चिल्ड्रन ने, वह आपां नूं पुछा गया। इस दे विच ऑल चिल्ड्रन एक्सैप्ट 50 का मतलब क्या है, यानी चिल्ड्रन नूं छड्ड के जो मैन और वूमेन्स ने वह किन्ने ने? 50 ने। ठीक है, इस दे विच आपां ने जो चिल्ड्रन ने उन्हां नूं छड्ड के बाकी किन्ने ने? 50 ने। ठीक है, उस तो बाद इस दे विच ऑल मैन एक्सैप्ट 200, यानी मैन नूं छड्ड के वूमेन प्लस चिल्ड्रन किन्ने ने? वूमेन प्लस चिल्ड्रन ने 200। ठीक है, इस दे विच की ने? मैन नहीं है। ठीक है, उस तो बाद ऑल वूमेन एक्सैप्ट 110, यानी इस दे विच वूमेन नहीं है, मैन प्लस चिल्ड्रन हो गए, किन्ने हो गए? 110। ठीक है, 110 इतने अपने कोल की ने? वूमेन्स नहीं है। अगर ये देखिए आप 2 C आ गए, ठीक है, 2 M आ गए, 2 W आ गए, तो की करेंगे आप इतने 2M+W+C लिख सकते हैं। ठीक है, इतने अगर आप ऐड कर लिए 250, 260, 360, इन्हों का सम कि बन गया 360। अगर मैन प्लस वूमेन प्लस चिल्ड्रन इन्हों की संख्या आप फाइंड कर लिए तो किन्ने हो गए अपने को? 360/2 करा तो वैल्यू कि आ गई अपने को? 180। ठीक है, जदों आप
360 बटे दो करांगे तां एक वैल्यू कितनी आएगी 180। बट आपां नूं की पुछा गया इहदे विच सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन की संख्या पुछा गया, तो इहदे विचों आपां की करांगे इन्हां दोनों नूं माइनस कर देंगे जो कि आपां नूं इत्थे दिता गया। ठीक है, मैन प्लस जो वूमेन्स ने इन्हां नूं अगर आपां माइनस कर दिए 50 माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई 130 130 आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बन जूगा। ठीक है 130। नैक्सट देखो इस दे विच क्या गया है, जो आशा है यह टॉलर है किस तो बब्बू तो, ए इज टॉलर दैन बी बट शॉर्टर दैन चेतन, यानी चेतन तो छोटी है जो ए है। ठीक है उस तो बाद नैक्सट क्या गया है, डी इज डिंपल इज टॉलर दैन ईशा, डी इज टॉलर दैन ईशा, हु इज टॉलर दैन चेतन, यानी जो ई है हु का मतलब की है जो इसदे पहला आया है इसका मतलब है हु जो है किसान रिप्रजेंट कर रहा है ईशा। ठीक है ईशा जो है किस तो वड्डी है चेतन तो, चेतन वड्डा है ए तो, ए तो वड्डा कौन है ए वड्डा है किस तो बी तो, तो इतने की पूछा गया अपन जो टॉलेस्ट है इस दिवस कि है वो है डी, तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा डिंपल, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन डिंपल। नैक्सट देखो 24 नंबर क्वेश्चन, मेल चेयरस परसनस, इस मेल्स अलग हो गए चेयरस अलग हो गई परसन के मेल भी आ गए। ठीक है यानी परसन के आ गए मेल भी आ गए कुछ फीमेल्स भी हो सकती ने। ठीक है तो ये आपसन बना ले परसन के मेल बनाते तो इतने जे चेयर है वह अलग बनाता, तो इस क्वेश्चन आंसर बन जूगा फोर्थ ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जूगा अपना। ठीक है नैक्सट देखो इस दूँ पूछा गया है रोंग नंबर दसो इस सीरीज़ के कड़ा होएगा। ठीक है अगर आप 125 तो 127 तक जाइए तो कि डिफरेंस है दो का, 127 तो 30 तक 3 का, इतों इतने का 5 का 7 का, फिर है इतने 11 का, इतने कि डिफरेंस हो गया इतने हो गया 14 का। अगर आप देखिए कि ने प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे कि ने प्राइम नंबर बट 14 प्राइम नंबर नहीं है तो 167 नहीं इतने आना चाहिए सी, तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना 167। ठीक है क्योंकि प्राइम नंबर आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है इस करके इतने अपना 14 ऐड नहीं होएगा, इतने अपना ऐड होना चाहिए सी 17 जो कि प्राइम नंबर एक। ठीक है इस करके आंसर की बन जाएगा 167 डी ऑप्शन। नैक्सट देखो इस दे विच आपां नूं एक चार्ट दिता गया है पाई चार्ट। ठीक है 26 और 27 रिलेटड जिहड़े क्वेश्चन दे रिलेटड इनफॉर्मेशन वो दी गई है इस पाई चार्ट दे विच। ठीक है 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सब तो पहला 26 नंबर क्वेश्चन दे विच की क्या गया आपां नूं, इफ द टोटल एरिया अंडर ज्वार इज वाज 1.5 मिलियन हैक्टेयर, यानी जो ज्वार दे अंडर एरिया है वह किन्ना है 1.5 मिलियन हैक्टेयर, बट अगर आप देखिए ज्वार दे विच किन्ना है 18। ठीक है 18 जो है यह कितना है 1.5 मिलियन हैक्टेयर। ठीक है आपको किता पूछा गया है, आपको पूछा गया है पैडी का, यह कि है ज्वार का, आपने कि फाइंड करना है पैडी का। ठीक है पैडी का कितना है 72। ठीक है इतने कि आ जूगा अपना 72, अगर आप 18 कि मल्टीप्लाई करेगी 72 आ जाए 4 ना करना पेगा, इतने 4 ना करती तो इतने भी कर दो। ठीक है 1.5 इंटू 4 करा तो इतने कि बन जूगा 15 चौके 60 6.0 मिलियन हैक्टेयर आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का, आंसर आ जूगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन 6.0 मिलियन हैक्टेयर। नैक्सट देखो 27 नंबर क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्शन ऑफ वीट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बारले, यानी आपको क्या गया है जो प्रोडक्शन है वीट की कितनी है 6 टाइम्स है दैट ऑफ बारले। ठीक है अगर आप देखिए वीट की कितनी है, वीट की है 72, तो इतने की लिखा अपना 72 डबल्यू डबल्यू नाल आपने रिप्रजेंट करता किसान वीट न। ठीक है यह कि कोल है 6 टाइम्स बारले के, बारले कि है बारले है अपने कोल 36। ठीक है 36 और इतने आपको कितना दिता गया है, इतने है अपने कोल 6। ठीक है 6 टाइम्स तो 6 ना मल्टीप्लाई कर देंगे और इस बारले को आप रिप्रजेंट कर देंगे बी दे, 36 दुना 72, 2 एकम 2, 2 3 6, तो इतने कितनी वैल्यू आ गई, इतने 1 डबल्यू बच गया, इस तरफ कितना बच गया 3 बी बच गया, इन्हों की रेशो कढ़ लेंगे आप डबल्यू बटे बी आजूगा, इतने वैल्यू कितनी आजूगी 3/1 यानी 3:1 आंसर बन जूगा अपना। वेट रेशो बारले आपको पूछा गया तो आंसर की बन जूगा 3:1 बन जूगा, इस क्वेश्चन आंसर है अपना बी ऑप्शन 3:1। नैक्सट देखो 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन के एक सीरीज़ दी गई है। ठीक है इस सीरीज़ के जो मिसिंग टर्म है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है इस दे अगर आप देखिए जी तो बाद एच छड़िया आई आ गया जी एच आई, ठीक है आई तो बाद जे छड़ता के आ गया, के तो बाद एल छड़ देंगे एम आ जूगा, यानी फस्ट डिजिट की होगा एम होगा, आंसर ए नहीं हो सकता ए नहीं आंसर हो सकता, इन्हों दोनों च होगा। ठीक है अगर आप देखिए वाई का जोड़ा प्लेसमेंट वैल्यू होंगी कि 25, ठीक है और डबल्यू की कितनी 23 होंगी है, टी की कितनी होंगी 20। ठीक है अगर आप देखिए इन्हों के कि डिफरेंस है 2 का, इतने कि डिफरेंस हो गया 3 का, ठीक है इतने कि डिफरेंस हो जूगा 4 का। ठीक है अगर इतने आप 4 का डिफरेंस कर दिए तो बी के 4 माइनस करा तो कि 16,
ठीक है, 16 माइनस करते ही अपने को वैल्यू, यानी 4 माइनस करते ही 16 वैल्यू आ गई। 16 जो प्लेसमेंट वैल्यू होंगी है किसी होंगी है, ओ तो बाद पी दी, ओ कि ओ दी होंगी 15, ओ तो बाद की आजगा पी, यानी एम तो बाद पी आऊगा, दोनों के बीच अपन पी दिता गया है। ठीक है, इतने अपने को जैड वाई एक्स, एक्स तो पहले की आजगा डबल्यू, तो इतने वैल्यू आजगी डबल्यू, तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना एम पी डबल्यू, यानी बी ऑप्शन एम पी डबल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो 29th नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कुलर पीस है जो पेपर का, ठीक है, एक पेपर है अपने को सर्कुलर इस टाइप का। ठीक है, इस दे विच अपन की किया सेंटर तो अपने फोल्ड करना स्टार्ट करता, जिमें जो आप इस फोल्ड करा यही जोड़ी साइड है इतने आ जाएगी। ठीक है, उस तो बाद जो इस आप मोड़ के एनी ही इस तरह का रह जाएगा ये। ठीक है, इस तरह का, ठीक है, उस तो बाद फिर तो अपने मोड़ता इस तरह, फिर मोड़ता। ठीक है, इस तरह आप मोड़ते मोड़ते किन्नी बारी मोड़ता, इस अपने फोल्ड करता 8 बार। ठीक है, जो आपने एक बार मोड़ा किन्ने हिस्सों के बन गया है, दो बार, दो हिस्सों के जो आपने एक बार फोल्ड किया तो किन्ने हिस्सों बट गया, दो बार, दो हिस्सों, अगर आप दो बारी डिवाइड करेंगे तो किन्ने हिस्से बन जाएगा, चार बार। ठीक है, चार हिस्सों के जो आप इस तरफ तो चक के इस तरफ ले जाएंगे तो किन्ना बन जाएगा, चार के बन जाएगा। इस तरह जो आप तीन बार मोड़ा इसमें यह बन जाएगा 8 के, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इतने 2 की पावर किन्नी आ गई अपनी 3। इस तरह जो आप 8 तक इसमें फोल्ड करा तो इतने 2 की पावर किन्नी हो जाएगी, 8। ठीक है, 2 की पावर 8 किन्नी होती है वैल्यू, 256, 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, इसमें जो आप 8 मल्टीप्लाई करा, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, 64 × 128, 128 × 256, तो इतने वैल्यू किन्नी बन गई अपनी, 256 दी ऑप्शन। नैक्सट देखो 30 नंबर क्वेश्चन के अपन की पूछा गया है, 30 नंबर क्वेश्चन में आप क्या गया है, इस दे मतलब दिए गए हैं। ठीक है, इस दे इस सारे जो अपन इतने वैल्यूज दी गई ने, इन के अकॉर्डिंग अपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और अपन इन वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, इस दे अगर आप देखिए एम हैश एन लिखा गया है, हैश का मतलब की है, बी इज 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए, यानी जो सैकेंड प्लेसमेंट वैल्यू होगी, यानी सैकेंड जो डिजिट होएगा वह किस तरफ है, राइट की तरफ है। ठीक है, इस दे विच जो बी है यह 1 मीटर राइट की तरफ है ए तो, इतने अपने को एम हैश एन है। ठीक है, एम हैश एन का मतलब की है, जोड़ा एन है वह 1 मीटर किस तरफ होएगा, ए होएगा ईस्ट की तरफ, यानी राइट की तरफ, इन डिफरेंस किन्ना है 1 मीटर का। ठीक है, इस तरह अगर आप देखिए एन डॉलर, डॉलर का मतलब की है, इस दे विच जो बी है यह 1 मीटर नॉर्थ के बच्चे ए तो, यानी जो सैकेंड डिजिट है, यानी जो टी है यह नॉर्थ के बच्चे होएगा कितों, इस एन तो, इतने की आजगा, इतने आजगा अपने को टी आजगा, इन भी डिफरेंस किन्ना है 1 मीटर का। ठीक है, उस तो बाद अपन क्या गया है, इस पूछा की क्या गया है, टी इज इन विच डायरैक्शन विद रिस्पैक्ट टू एम, एम के रिस्पैक्ट के जो टी है किस डायरैक्शन है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, यह कि डायरैक्शन जा रही है, नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर बन जूगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बन जूगा अपना आंसर, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। नैक्सट देखो इस दे विच आपां नूं क्या गया है, 5 men और 9 women, यानी ज़्यादा 5 men करन या फिर 9 women किसी काम नूं करदियां ने 19 दिनां दे विच कंप्लीट कर सकदियां ने, यानी 5 men × 19 इज इक्वल टू 9 women 19 दिनां दे विच, यानी इत्थे आपां नूं जो 9 women ने ओह भी 19 दिनां दे विच करदियां ने सेम काम नूं। ठीक है, सेम काम नूं 5 men ने जिहड़े ओह भी 19 दिनां दे विच करदे ने, इत्थे लिख लिया आपां ने वूमेंस, इसमें मल्टीप्लाई करता अपने 19 कैंसल अपना। ठीक है, इतने अगर आप एम नीचे आ जाएगा, इतने आप डिवाइड के लियावे वूमेन। ठीक है, इधर 9 एज इट इज़ 5 है जो इधर चला जाएगा। ठीक है, ये अपने को रेशो आ चुकी है कम करने की, जोड़ा मैन है वो 9 कम कर सकता एक दिन के, और वूमेन कि कर सकती है 5 कम कर सकती है। अगर आपने टोटल वर्क फाइंड करना है तो आप करा एक वैल्यू पुट कर देंगे, मैन के आप वैल्यू पुट कर देने मान लो। ठीक है, एक मैन है जो एक दिन कि कम कर सकता है, यानी मैन की वैल्यू कि आ गई अपने को 9, 5 × 9 कर देंगे और 19 दिनों के कम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इतने अगर आप वैल्यू देखिए 19 × 5 = 95, 95 × कि आजगा 9। ठीक है, 9 × 5 = 45, 4 × 9 = 81, 4 × 85। ठीक है, इतने वैल्यू कि आ गई अपने को 855, यानी टोटल अपने को कम कि आ गया अपने को 855। अपने किस किस तो करवाना है, 3 men तो, 3 men ने प्लस 6 women ने। ठीक है, दोनों मिलकर किन्ने दिनों काम करेंगे पूछा गया अपन, 1 men की वैल्यू कि 9 है। ठीक है, इतने अगर आप 1 men की वैल्यू पुट कर दी 9 × 9 = 27 आजगा इतने। ठीक है, 1 women की वैल्यू कि आ गई, 1 women की वैल्यू 5। ठीक है, 6 × 5 = 30, तो इतने वैल्यू कि आ गई 30,
तीह प्लस सताई कि हो गया सतवंजा। आपने टोटल कम कि करवाने, आपने कम करवाने 855 यूनिट। ठीक है, टोटल कम यह कर सकते हैं दोनों जने मिलकर, तीन मैनज हो गए, छे वूमेनज हो गए, दोनों ग्रुप ने जोड़े यह मिलकर काम करे 57 यूनिट। आपको पूछा गया किन्ने दिन इस आप डिवाइड कर देंगे 15 से। ठीक है, 15 से डिवाइड कर देंगे तो अपना पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी दोनों मिलकर, दोनों ग्रुप मिलकर 15 दिन काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इस करके आंसर की बन जूगा अपना डी ऑप्शन बन जूगा 15 दिन 15 डेज। नैक्सट देखो 32 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, हरीश गेव 40% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, यानी हरीश दे कोल जिनी भी मनी सी उसका 40% उसने अपनी पत्नी नू देता। ठीक है, अपनी पत्नी नू किन्ना देता 40%, यानी अपने 100 रुपये मान ले टोटल उदले वे किन्ने पैसे सी 100 रुपये, तो ये 40% यानी 40 रुपये किनू देते वाइफ नू। ठीक है, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ईच ऑफ थ्री सनस, तीन पुत्र ने उदे। ठीक है, थ्री सनस ने उदे इस हरीश दे। ठीक है, हर एक सन नू किन्ने परसेंट दिता गया है, 20% ठीक है, 20% यानी 20% की वैल्यू किनी आ गई अपने कोल, जिहड़ा बाकी बच गया टोटल अपने जी वैल्यू है वह कि मन लेनी है, लैट कर ली अपने 100 रुपया, 100 के बच गए अपने को, अपने को बच गए 60 रुपये, 60 रुपये के 20% अपने किनू दते, सन में दते एक। ठीक है, यदा 20% कि आ जूगा 12, तीन सन ने इन तिना कि मिल जाएंगे 36 रुपये मिल जाएंगे, 12 × 3 करा तो 36 रुपये आ गए, तीनों पुत्रों किन्ने मिल गए 36 रुपये। ठीक है, उस तो बाद जी अमाउंट बच गई वह मिसलीनियस आइटम्स के उपर स्पेंड करती उन्हें। ठीक है, हरीश ने इतने लिखा आप मिसलीनियस 40 ते 76 हो गया, 76 बच गए किन्ने 24 रुपये, 24 के अद्धे कितने स्पेंड करते मिसलीनियस से, यानी अद्धे किन्ने हो जाएंगे 24 के 12 रुपये, 12 रुपये मिसलीनियस से खर्च करते। ठीक है, उस तो बाद जो बाकी बच गए, बाकी किन्ने बच गए, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट किन्नी बच गई, वह बच गए अपनी 40 ते 36, 76 के 12, 88, 12 बच गए, बट कहते 12 रुपये नहीं बचे, किन्ने बचे ने 24,000 रुपया, किन्ने नाल मल्टीप्लाई करिए कि 24,000 बचे, 2,000 ना करना पेगा। ठीक है, इस तरह आपको पूछा गया है वाइफ को कितने पैसे देते हैं, इन्हें भी आप 2,000 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 × 2,000 किया तो वैल्यू कितनी आ गई अपनी 80,000 रुपये आ गई। ठीक है, 80,000 रुपया तो इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपना बी ऑप्शन 80,000 रुपये। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट देखो 33 नंबर क्वेश्चन, जो राम की इनकम है 20% ज़्यादा है किस तो, गोपाल तो। ठीक है, जो राम की इनकम है वह 20% ज़्यादा है किस तो, गोपाल की इनकम तो। अगर आप गोपाल की इनकम 100 रुपये मान लिए तो राम की कितनी हो जाएगी 120 रुपये। ठीक है, इस तरह उस तो बाद क्या गया आपको, द इनकम ऑफ गोपाल इज 20% मोर दैन वर्मा, एक वर्मा है। ठीक है, जो गोपाल है इस वर्मा की इनकम तो भी 25% ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप वर्मा की 80 रुपये मान लीए तो यह 25% ज़्यादा गोपाल की कितनी होगी 100 रुपये। ठीक है, इस तरह आपको कि पूछा गया है, वाई वट परसेंट वर्माज इनकम लैस दैन रामज इनकम। ठीक है, यानी वर्मा की जी इनकम है किन्ने रुपये घट है, 40 रुपये। ठीक है, राम की इनकम तो घट है तो बटे कर देंगे 120 रुपये, 4 × 4 = 12, इतने अपने को 1/3 आ गया, 1/3 आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, यानी परसेंटेज कितनी घट है इस वर्मा की इनकम राम की इनकम तो 33 सही 1/3% घट है। आंसर बनूगा इस क्वेश्चन अपना 33 सही 1/3%। ठीक है, आंसर है ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 34 नंबर क्वेश्चन, एक इंसैक्ट है जो कि 3 मीटर पर मिनट के हिसाब के नाल एक वर्टिकल पोल की उपर चढ़ता जाता है। ठीक है, इस पोल का यानी इस पोल की हाइट कितनी है, 15 मीटर की है, यानी जो यह खंभा है किन्ने मीटर उच्चा है, 15 मीटर उच्चा है। ठीक है, यह 1 मिनट के कि चढ़ता है, 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, 3 मीटर चढ़ता है और हर एक मिनट के 1 मीटर नीचे आ जाता है, यानी कह सकते हैं आप 1 मिनट के 2 मीटर यह कि चढ़ेगा खंभे दे, क्योंकि 3 मीटर चढ़िया 1 मीटर नीचे आ गया, तो जिहड़ा इन्हां दे विच ओवरऑल डिफरेंस बनया कि बनया 2 मीटर का, यानी 1 मिनट के जो एग्जैक्ट चढ़ पाया ये, ठीक है, 2 मीटर चढ़ पाया। ठीक है, किन्ना चढ़ना इन्हें 15 मीटर, तो इतने अगर आप इस 6 नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू कितनी बन जूगी 6 मिनट। ठीक है, जो 6 नाल मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी बन जूगी 6 मिनट्स। ठीक है, जो 6 मिनट बन गए इधर वैल्यू बन गई 6 मिनट, तो इतने अगर आप 6 नाल मल्टीप्लाई इतने करिए तो इतने भी कर देंगे, तो इतने कितना चढ़ जूगा यह 12 मीटर, यानी जो एक खंभा है यह टोटल 15 मीटर का मान लो इतने पहुँच गया है 12 मीटर से। हुण उस तो बाद जी अगली छलंग लगाएगा यह लगाएगा 3 मीटर की। ठीक है, यानी जो शिखर इसका पॉइंट जो शिखर के पॉइंट होएगा जिते चढ़ना चाहता है, ठीक है, 3 मीटर चढ़ता है तो 7वें मिनट के 1 मिनट के वह कि चढ़ जाएगा 3 मीटर की छलंग लगाएगा 12 + 3, तो इतने 15 मीटर के जोड़ा अपना डिस्टेंस है वह कवर कर लूगा, यानी 7 मिनट लगन गए इस कीड़े नू इस पोल के उपर
चढ़न दे लिए टॉप पॉइंट से चढ़न के लिए टच करन दे लिए 7 मिनट लग जाएंगे। आंसर बनेगा ए ऑप्शन 7 मिनट, क्योंकि यह जो लास्ट जो मिनट होएगा उस 3 मिटर चढ़ जाएगा और खंबे के उपर शिखर पॉइंट पर पहुँच जाएगा। यही पूछा गया अपन शिखर पॉइंट पर कदों पहुँचेगा, 7 मिनटों के पहुँचेगा। आंसर बनेगा अपना ए ऑप्शन 7 मिनट। ठीक है, नैक्सट देखो 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या गया अपन, एक एलॉय है ठीक है जिसके कॉपर और जिंक का रेशो दिता गया है 5:3। कॉपर और जिंक का रेशो कितना है 5:3 का। ठीक है, इस तरह एक होर एलॉय है जिसके कॉपर और टिन का रेशो दे रखा है, कॉपर और टिन का कि 8:5। ठीक है, ये दोनों रेशो दिए गए हैं, इन दोनों अगर आप ऐड कर लिए 5:3 8, 8:5 13। ठीक है, इन दोनों अपने रेशो को बराबर कर लें, इनू 13 ना मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इनू 8 ना कर दें, दोनों की रेशो बराबर बन जूगी। ठीक है, आपको की पूछा गया जो आप इन्हों मेल्ट कर देंगे, जो आप इन्हों मेल्ट करके ठीक है जो आप इन्हों मेल्ट करके आप टिन का जो वेट है वह कि होगा, यह बाकी सारिया धात अपने मिलाती हैं बट इस जो टिन का वेट होएगा वह कि होएगा। ठीक है, वह आपको पूछा गया, अगर आप देखिए इतने वैल्यू कि अपनी 5। ठीक है, इतने आपने मल्टीप्लाई करना है किन्ने के नाल, इतने आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के नाल, 8 × 5 किता कि वैल्यू होगी 40। ठीक है, इतने अगर आप देखिए इतने वैल्यू कि बनजूगी 13×5 65, इतने वैल्यू कि बनजूगी 13×3 39। ठीक है, इतने वैल्यू कि बनजूगी 8×64, इन तीनों आप ऐड कर लेंगे और इस जो 40 है ये अपने को 40 यदि वैल्यू बनजूगी ये भी आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, 4 अगर आप ऐड कर लिए 8×5 9 14 4 18 एक रिमाइंडर। ठीक है, 18 एक रिमाइंडर, 4×5 5×6 11 11×14 6 20, इतने वैल्यू कि बन गई अपनी 208। ठीक है, इतने अपने को वैल्यू कि बन चुकी है, इतने अपने को वैल्यू बन चुकी है 208। ठीक है, आपको यही पूछा गया है 208 का कितने परसेंट होगा, तो डिवाइड कर देंगे 208 के नाल। ठीक है, उस तो बाद आप कट सकते इस 8 के टेबल से 8×5 40, 8×2 9 16, 4 बच गया 8 बच गया, 4×8 6 48, 8×6 48 5/26 आंसर बन जूगा अपना, जो कि आपको ये ऑप्शन दिता गया, इस आंसर बन जूगा ये ऑप्शन 5/26। नैक्सट देखो 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, एक कॉलेज है ठीक है जिस दे विच जो एक टीचर है यह क्लासेस लैनिया स्टार्ट करती है 1 बजे, 1 बजे दोपहर में यह क्लासेस अपन लैनिया स्टार्ट करती है। ठीक है, 3:52 तक यह अपन क्लासेस कंटिन्यू करती है। ठीक है, टोटल क्लासेस कितने टाइम लिया ने, 2 घंटे 52 मिनट, क्योंकि 1 बजे तो लगी सी 3:52 दे वेली होगी। ठीक है, कितना टाइम लिया, 2 घंटे 52 मिनट। ठीक है, एक क्लास तो दूजी क्लास तक जाने लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लो पहली क्लास ए वाली है, ठीक है दूजी क्लास ए वाली है, ठीक है तीजी क्लास ए वाली है, ठीक है चौथी क्लास ए वाली है। ठीक है, इतने इस क्लास के किन्ने बजे पहुँच गई, 1 PM ते, इतने इसने जिन्ना टाइम लगाना सी क्लास लगाने तो बाद यह जो रस्ता है किन्ने टाइम के कवर किया ने, 4 मिनट के, यह भी रस्ता किन्ने टाइम के, 4 मिनटों के, यह भी रस्ता किन्ने टाइम के, 4 मिनट के, इन्हों के इंटरवल किन्ने बन गए, 3 बन गए, 4 4 4 तीन इंटरवल बन गए, यानी टोटल 12 मिनट ये खराब हो गए आन जान, यानी एक क्लास तो दूजी क्लास, दूजी तो तीजी, तीजी तो चौथी तक जाने के लिए इनू 12 मिनट की हो गए तो खराब हो गए, माइनस कर देंगे 12। ठीक है, 2 घंटे किन्ने रह जाएंगे, 40 मिनट। ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट रह गए और किन्नियां क्लासा लाइया ने, 4 क्लासा लाइया ने। ठीक है, 4 क्लासा लाइया ने, 2 घंटे किन्ने हो गए, 40 मिनट, 6×2 12 12×4 16, यानी 160 मिनट हो गए, 4 क्लासा लाइया ने, 4 ना डिवाइड कर देंगे, 4×4 16, यानी 40 मिनटा की एक क्लास होगी, यही आपको पूछा गया, तो आंसर इस क्वेश्चन का की बन जूगा अपना, इस क्वेश्चन का आंसर बन जूगा सी ऑप्शन 40 मिनट। ठीक है, नैक्सट देखो 37 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच क्या गया है, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, यानी जिन्हें भी एक रूम के जिन्हें भी परसन ने एक दूजे हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, टोटल अगर हैंडशेक्स ने जोड़े 153 हुए हैं, तो आपको की पूछा गया, आपको पूछा गया टोटल परसन किन्ने ने रूम के। ठीक है, जोड़े परसन ने उन्हों की संख्या अपन पूछा गया। ठीक है, हम आपको पता है अगर एक परसन ने दूजे परसन के हैंडशेक करना है तो दो का कंबीनेशन होना जरूरी है। ठीक है, एवें तो हो नहीं सकता एक परसन अपने हाथ के नाल ही हाथ मिलाएगा। ठीक है, इस करके इन्हों के कह सकते हैं आप दोनों का कंबीनेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं NC2 मतलब ये अगर आप बाय ऑप्शन करिए इतने अपना आंसर की बन जूगा, डी ऑप्शन बन जूगा 18। ठीक है, किमें करा आप 18C2, क्योंकि कंबीनेशन बनता दो का। ठीक है, इसमें जो आप सोल्व करा 18×17, जो आप इस सोल्व करते हों 18×17 लिखा गुणा लिखा आप 16 का फैक्टोरीयल, नीचे की आता होंगे 18 - 2 का फैक्टोरीयल, 16 का फैक्टोरीयल आ जूगा, 16 के 16 कैंसल हो जूगा।
ठीक है, एक दो का फैक्टोरियल अलग आ जाऊगा, ठीक है, दो गुणा एक, दो एकम दो, दो नौ अठारह, सतारह गुणा नौ किया तो वैल्यू बनी 153। यही अपन क्वेश्चन के दिखती गई है कि टोटल 153 की होंगे हैंडशेक्स होंगे, इस करके आंसर की बन जाऊगा 18। टोटल परसनस किन्ने ने 18 होंगे, ठीक है, इन्हों के टोटल हैंडशेक्स किन्ने होंगे 153। यही अपन पूछा गया टोटल परसन किन्ने होंगे, तो आंसर की बन जाऊगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 18 18। नेक्स्ट देखो 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन में आप क्या गया है, इस एजस तो क्वेश्चन ही पूछा गया अपन, ठीक है, इस क्या गया अपन, एक फादर है जो कि अपने पुत्र नु दसदा है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट। यानी अगर आप इतने लिख लिए फादर, इतने लिख लिए आप सन का रेशो, ठीक है, इतने अगर आप ओल्ड रेशो फाइंड कर लिए, यानी इतने आप अगर देख लिए फादर की एज मान लो एक्स सी उस समय, ठीक है, मान लो फादर की एज है जी इस समय कितनी है एक्स, ठीक है, जो इस सन का जन्म होया, ठीक है, इसे तरह अगर आप प्रेजेंट टाइम की गल करिए तो इस फादर की एज कितनी होगी 38 साल, 38 साल होगी, ठीक है, और इस दे विच अपन क्या गया है, जो सन है इस समय एज यदि कितनी होगी, जदों जिन्नी इसकी एज इस समय सी, ठीक है, यदि कितनी होगी एक्स, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं इस जो 38 साल दी आप इसकी दुगनी होगी, क्योंकि आपको क्या गया है जो फादर है जिन्ना उस समय सी, ठीक है, जो उसका लड़का है वह उन्ना है उस समय प्रेजेंट टाइम के, इस करके आप कह सकते हैं जो 38 साल होगी वो की होगी 2x की वैल्यू होगी, ठीक है, 2x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 38 38। जिमें आप कह सकते हैं एक जो पिता है अपने पुत्र कह सकता है, ठीक है, जिमें क्या गया अपन, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वाज एज ओल्ड एज यू आर एज एट प्रेजेंट, जिनी उम्र तेरी प्रेजेंट टाइम पर है जो तेरा बर्थ होया सी उस समय मेरी उन्नी उम्र से, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं एक्सी वैल्यू कितनी आ गई 19 19, ठीक है, एक्सी वैल्यू कितनी आ गई अपनी 19, ठीक है। इतने अगर आप देखिए जो सन है उसकी एज कितनी आ गई 19, बट आपको की पूछा गया है इस पुत्र की जी 5 साल पहला एज होगी वो कितनी होगी, 19 माइनस कर देंगे 5 तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी 14 साल, तो आंसर इस क्वेश्चन का बन जाऊगा अपना ए ऑप्शन 14 साल। यही अपन क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया से। नेक्स्ट देखो 39th नंबर क्वेश्चन, इस दे विच क्या गया है, तीन पेपर्स ने, ठीक है, इन्हों का टोटल अपन दिता गया है 300 400 500, ठीक है, एक कैंडिडेट है जिसने 45% मार्क्स सिक्योर किए ने पहले च, 55% दूजे दे, ठीक है, अगर ओवरऑल वो 50% प्राप्त करना चाहता है तीनों पेपर के, तीजे पेपर के किन्ने परसेंट उन्होंने अंक लेने पैणगे, अगर आप देखिए इन्हों का सम कि बन गया 300 400 500, 3 4 7 5 12, टोटल जो अपना सम बन जाएगा तीनों का स्कोरस किन्ने बन जाएंगे, ये किन्ने बन जाएंगे 1200, बट इसने किन्ने परसेंट लेने ने 50%, यानी इसनों टोटल किन्ने अंक की जरूरत है 600 अंक चाहिए ने इनू, ठीक है, 50% लैन के तीनों जो पेपर्स ने तीनों के विचू 600 अंक आने जरूरी ने, ठीक है, सब तो पहला क्या गया है 45% इन्हें ले पहले पेपर के, ठीक है, 45% ले तो आप 45% की लिख सकते हैं 45 बटे की लिख देंगे आप परसेंटेज हटा के 100 लिख देंगे बटे, ठीक है, 5 9 45 20 500 9 बटे 20 गुणा कर देंगे आप किन्ने 300 के, ठीक है, 0 के 0 कैंसल, 2 1 2 15 2 30, तो इतने वेली गुणा 135, ठीक है, इस तरह दूजे दे विच कितना है 55%, 55 बटे 100 करा तो वैल्यू कितनी आ गई 11 बटे 100, 11 बटे 20, 11 बटे 20 गुणा कितने कर देंगे आप 400 के, 20 गुणा 20 करा 400 कट जूगा, और 11 गुणा 20 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 220, इन दोनों ऐड कर लिए अगर आप 5 3 2 5 355 आ गया अपने को सम, ठीक है, 600 के 355 माइनस किया तो वैल्यू कितनी आ गई 245, ठीक है, 600 के जो आपने 355 माइनस करता तो वैल्यू कितनी आ गई 245, 245 अंक चाहिए ने इनू, ठीक है, तीजे पेपर के, तीजे पेपर के अंक कि ने टोटल 500, ठीक है, बटे कर देंगे आप 500 गुणा कर देंगे 100 के, 2 0 2 0 कैंसल, 5 1 5, 5 4 20, ठीक है, 4 बज गया, 5 9 45, 49% अंक चाहिए ने, तो आंसर इस क्वेश्चन का की बन जूगा 49%, ठीक है, 49% जो अंक ने वो चाहिए ने तीजे पेपर के, जी ओवरऑल एवरेज है 50% बनाने लिए, आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन 49%। नेक्स्ट देखो 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन में आप क्या गया है, एक परसन है जो कि एक यात्रा स्टार्ट करता है, ठीक है, इस दे विच क्या गया है, इसकी जो होम प्लेस तो लैके ऑफिस तक जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, आप टोटल डिस्टेंस ही मान लेने 30 किलोमीटर, ठीक है, आप कह सकते हैं यह जो होम तो कितने गया ऑफिस गया, ठीक है, ऑफिस तो होम आया,
अगर आप टोटल इतने 30 दिता गया तो आप 30 मन लिए, 30 गया 30 आया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। आपने की करना है, आपने करना है एवरेज स्पीड। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू की होंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना आपने इतने अज्यूम किया, 60 अज्यूम किया, ठीक है। अगर यह परसन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के नाल जाता है, जाते हुए 30 किलोमीटर गया, ठीक है, जाते हुए कितना गया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के नाल गया तो कितना टाइम लग गया, 1 घंटा प्लस, ठीक है। उस तो बाद आते हुए डिस्टेंस कितना सी 30 किलोमीटर का, बट स्पीड कितनी होगी 20 होगी, 30 बटे 20 करांगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1.5 लिख देंगे प्लस 1.5, तो इतने 60 बटे कि कर देंगे 2.5, तो इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, ठीक है, इतने वैल्यू आ जाएगी अपनी 24 × 48 = 60, यानी इतने आ जाएगी अपनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाएगी एवरेज स्पीड हो जाएगी, यही आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग पूछा गया सी। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन। नैक्सट देखो, यह पूछा गया अपन क्वेश्चन डायरेक्शन तो, ठीक है, ये अपन डायरेक्शन दिती है, ठीक है, यह अपने को डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वैसट, ठीक है, यह की होगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, यह की होगी साउथ ईस्ट, यह की होगी नॉर्थ वैसट, यह की होगी साउथ वैसट। अपन की क्या गया है, अपन क्या गया है साउथ वैसट है जी डायरेक्शन, साउथ ईस्ट है जी, यह की बन जाए साउथ वैसट बन जाए, यानी जी साउथ ईस्ट है यह डायरेक्शन की बन जाए साउथ वैसट, यानी यह जी डायरेक्शन है इसनों आप इधर घुमा रहे हैं, ठीक है, इसनों आप किधर घुमा रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं। अगर आप इतने एक डायरेक्शन मान लीए, यह अपने को डायरेक्शन है, ठीक है, यह अपने को चारों डायरेक्शन हो गई, साउथ वैसट डायरेक्शन है जी कितने आ गई, इतने आ गई साउथ वैसट, कितने आ गई इतने आ गई साउथ वैसट, ठीक है। जी साउथ ईस्ट सी यह अगे चली गई होगी, यानी इतने की आ जाएगी साउथ ईस्ट आ जाएगी, ठीक है, साउथ ईस्ट आ जाएगी इतने, ठीक है, इतने साउथ ईस्ट आ गई। जी नॉर्थ ईस्ट है वो इतने आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट इतने आ जाएगी, ठीक है, इतने नॉर्थ ईस्ट आ गई तो इतने की आ जाएगी, एक बजेगी नॉर्थ वैसट तो नॉर्थ वैसट इतने आ जाएगी, ठीक है। ये अपने को डायरेक्शन सारिया बन चुकी ने, ठीक है। हुण आपां नूं पता ये अगर आप इतने साउथ ईस्ट बनाई है तो ये आले दुआले अपन डायरेक्शन होनी चाहिए है, तो इस तरफ अपनी ईस्ट आ जाएगी क्योंकि आपने अगे मूव करवाई है, तो इतने की आ जाएगा ईस्ट, इतने की आ जाएगा साउथ, ठीक है, इतने अपने को आजगा वैसट क्योंकि इतने अपने साउथ वैसट बनाने तो वैसट आ जाएगा, ठीक है, इतने नॉर्थ वैसट बनाने तो इतने नॉर्थ आ जाएगा। आपने की फाइंड करना ये हाउ शुड द अदर डायरेक्शन चेंज, कि डायरेक्शन ये जी चेंज हो रही है, ठीक है। इस अगर आप देखिए फस्ट ईस्ट टू वैसट, ठीक है, यानी ईस्ट है जी वैसट बन गई, बिल्कुल रोंग दिता इतने अपन आंसर, ईस्ट टू साउथ अगर आप देखिए इतने की है ईस्ट, यह की बन गई हूँ साउथ, यही अपना आंसर बन गया, ठीक है। जी ईस्ट डायरेक्शन से बन गई हूँ साउथ बन गई, तो करके आंसर की बन गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बन गया, ईस्ट टू साउथ आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नैक्सट देखो 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन के अपन क्या गया है, एक थीफ है एक चोर है, ठीक है, जिसनों एक पुलिसमैन ने देखा, ठीक है, आप कह सकते हैं इतने है पुलिसमैन इतने है थीफ, ठीक है, इन्हों के डिस्टेंस कितना है 200 मीटर का, ठीक है। जदों भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर के मिलेगा तो आपने याद रखना इन्हों जोड़ा डिस्टेंस है वह यह दोनों ही कवर करेंगे, यानी जोड़ा पुलिसमैन है सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर का जो डिस्टेंस है कवर कर लूगा, उस समय ही इस थीफ नूं फड़ दूगा। आपां नूं क्वेश्चन यही पूछा जाऊगा कि इस थीफ नूं किन्ने टाइम के फड़ लूगा, किन्ने किलोमीटर के फड़ लूगा, इस तरह के ही क्वेश्चन आपां नूं पूछे जाते हैं हर एक पेपर के, ठीक है। इस दे विच आपां नूं क्या गया है, जदों थीफ है जिहड़ा 200 मीटर के डिस्टेंस से सी तां पुलिसमैन ने इसनूं देखिया, ठीक है, जो पुलिसमैन है यह भजना स्टार्ट किया, जिहड़ा पुलिसमैन की स्पीड है वह किन्नी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। हुण आपां नूं पता है जिहड़ा पुलिसमैन है वह भी इधर भज रहा है, थीफ है जिहड़ा वह भी इधर भज रहा है, थीफ की स्पीड है 10 और पुलिसमैन की स्पीड किन्नी है 12, ठीक है, तो ही इन फड़ पाऊगा, नहीं अदरवाइज तब यह पॉसीबल ही नहीं है कि इसनों फड़ पाएगा, जो पुलिसमैन की स्पीड ज़्यादा होगी उस केस के ही इस थीफ नूं फड़ पाएगा, ठीक है। इस दे विच अगर आप देखिए रैलेटिव स्पीड, रैलेटिव स्पीड की आ जाएगी, दोनों एक डायरेक्शन के जा रहे हैं तो आप करते हैं माइनस करते हैं, रैलेटिव स्पीड कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, रैलेटिव स्पीड कितनी आ चुकी है अपने को 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हुण आपां नूं पता है स्पीड इज इक्वल टू की होंदा है डिस्टेंस ओवर टाइम होंदा है, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं पता है डिस्टेंस, आपां ने डिस्टेंस पता करना है, सब तो पहला आपां देख लैणे आ अपने कोल स्पीड किन्नी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसनों आपां की कन्वर्ट कर लैणे सब तो पहला मीटर पर सैकेंड दे विच, ठीक है, 2 × 5/18 करांगे तां वैल्यू किन्नी आ जाऊगी अपनी 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो इत्थे एक वैल्यू किन्नी आ गई 5/9 मीटर पर सैकेंड अपने कोल की आ गई स्पीड आ गई, ठीक है, जिहड़ी रैलेटिव स्पीड है वह किन्नी आ गई 5/9 मीटर पर सैकेंड, ठीक है। अगर आपां टाइम देखिए किन्ना टाइम है भज्जिया जिहड़ा इह परसन है, ठीक है, एक किन्ना टाइम भज्जे ने, ठीक है, सब तो पहला तो आप ही देख लेने टाइम की आ जाएगा, ठीक है,
टाइम नू आपां फाइंड करना चाहते हैं तो उस केस दे विच आपां ने जदों आपां ने टाइम फाइंड करना है तो इत्थे आपणे कोल 200 मीटर का डिस्टेंस दिता है तो 200 आपां लिख लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड कितनी है 5/9 तो वटे आजूगा 5 गुणा जिहड़ा 9 है रिवर्स होकर उपर चला जाएगा 5 × 5 40 × 5 = 200 तो इत्थे वैल्यू कितनी आ गई अपनी 360 सैकेंड यानी 360 सैकेंड चले है कौन पुलिसमैन। ठीक है 360 सैकेंड है जिहड़ा ये चले यानी 6 मिनट चले है यह जो परसन है। ठीक है अगर आपने डिस्टेंस पता करना है किन्ने डिस्टेंस से फड़िया गया है यह चोर तो उस केस आपको फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस। डिस्टेंस की होएगा डिस्टेंस होएगा स्पीड इनटू टाइम इन दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड इनटू टाइम। ठीक है स्पीड कितनी है इस दी जिहड़ी स्पीड है वह कितनी दित्ती आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा जां आप कह सकते हैं जिहड़ा इत्थे आपको की पूछा गया है हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन बिफोर द ही इज और पावर्ड यानी किन्ने डिस्टेंस से जाके इस चोर नूं फड़िया गया यानी चोर ने किन्ना डिस्टेंस कवर किया यही आप फाइंड कर लिए तो अपना आंसर आजूगा। ठीक है स्पीड आपको किन्नी दिती है स्पीड आपको दिती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है इतने डिस्टेंस कि इतने अपने को जो टाइम है वह कि है 360 सैकेंड गुणा कर देंगे आप जी थीफ की स्पीड है वह कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट करा तो कि आजूगा 5/18। ठीक है इतने वैल्यू कि आजूगी 18 × 36 ठीक है 20 × 10 किया 200 × 5 = 1000 यानी इतने वैल्यू कि आ गई अपनी 1000 मीटर। 1000 मीटर किस दे कोल हुंदा 1 किलोमीटर दे कोल हुंदा तां यानी किन्ने डिस्टेंस से फड़िया जाके 1 किलोमीटर दे। ठीक है 1 किलोमीटर डिस्टेंस से जाके फड़िया है इस पुलिसमैन ने इस चोर नूं। ठीक है ज़्यादा तुसीं इस तरह कर सकते हो जां फिर तुसीं की कर सकते हो इस 360 नूं एज इट इज़ लिखोगे। ठीक है इतने 12 लिख सकते हो। ठीक है क्योंकि आप पुलिस मैन का जिहड़ा केस है उसनों भी मन के आप इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किमें कर सकते हैं इस 360 नूं आपां एज इट इज़ लिख लैने आप पेन का जिहड़ा कलर है वह चेंज कर लैने। ठीक है ठीक है इसनों आपां किमें होर कर सकते हैं 360 एज इट इज़। ठीक है स्पीड कितनी है पुलिसमैन की 12 और जिहड़ी मीटर पर सैकेंड के कन्वर्ट करनी है वो आप इस तरह कर लेंगे 5/18 के नाल। ठीक है 18 × 18 = 36 तो इतने वैल्यू कितनी आ गई 20 × 12 12 × 24 240 240 × 5 कि आ गया 1200 तो इतने भी डिस्टेंस कितना हो गया 1200 बट ये आपको पता 200 मीटर तो पहले ही पहुँच चुका है तो यह माइनस कर देंगे दो क्योंकि आपको यही पूछा गया है किन्ने किलोमीटर से जाके फड़िया गया तो 1000 किलोमीटर से जाके फड़िया गया तो इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर तो आंसर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन बनूगा 1 किलोमीटर। ठीक है नैक्सट देखो दो टैप्स ने। ठीक है जिस दे विच जिन्हों फिल करने के लिए 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप इन्हां दे विच दोनों टैप्स ने जिहड़ियां यह कितना लेंदी है 2 घंटे T2 है जिहड़ी कितना टाइम लेंदी है 3 घंटे अगर इन्हां दा एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया 6 यानी आपने मान लिया टोटल जो टैंकी है वह कितनी है 6 लीटर की है। ठीक है यह कितने लीटर पानी पाती है यह पाती है 1 घंटे के 3 लीटर यह कितना पाती है 2 लीटर। ठीक है आपको पूछा गया अगर दोनों ओपन कर दिया जाए किन्ने टाइम के फिल हो जाएगा तो 6/5 कितना कर देंगे 5। ठीक है 1 घंटा तो एज इट इज़ आजूगा इतने कितना बच गया अपने को 1/5। ठीक है 1/5 एज इट इज़ आजूगा। ठीक है यानी 1 सही 1/5 घंटे इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना डी ऑप्शन बन जूगा 1 सही 1/5 घंटे लग जाएंगे इस टैंक को फिल करने के लिए इस कपैसिटी के नाल। ठीक है इस क्वेश्चन आंसर की बन जूगा अपना डी ऑप्शन 1 सही 1/5 घंटे। नेक्स्ट देखो 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है एंगल पता करना है आपने 4:20 के उपर। ठीक है दोपहर में 4:20 हुए हैं। ठीक है इन्होंने विचकार एंगल कितना होगा हम आपको पता है जो आपने एंगल बनाना है। ठीक है मान लो आपने क्लॉक बना ली। ठीक है ये है 12 6 9 इतने अपने को 3। ठीक है इतने मान लो 4। ठीक है जी मिनट हैंड है वह भी इतने होगी जी क्लॉक दे जी हर हैंड है थोड़ी जी 4 तो अगे मूव कर गई होएगी अगर यह दोनों इको प्लेस के उपर होंगे जिमें मान लो एक सूई है जी इतें होंगी दूजी सूई है जी इतें होंगी तो इन्होंने 0° एंगल बन जाता बट इतने आप कह सकते जी मिनट वाली सूई है वह कितने है 4 के उत्ते होगी जी घंटे वाली सूई है थोड़ा जहा मूव कर गई होगी तो आप की करा जी घंटे वाली सूई है। ठीक है उसका एंगल फाइंड कर लेंगे आपको पता 1 मिनट के 0.5° एंगल बना दी है मिनट वाली सूई 20 मिनटों के कितना बना दूगी 20 मिनटों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10° का एंगल बन जूगा। ठीक है आंसर की बन जूगा इस क्वेश्चन का 10° का ए ऑप्शन। ठीक है नैक्सट देखो एक स्कूल दे विच ऑल स्टूडेंट्स ने जिहड़े यानी सारे स्टूडेंट्स ने जिहड़े कोई ना कोई गेम खेलते हैं यानी घट्टो घट एक गेम खेलते हैं 2 गेम्स दी गई ने हॉकी तो फुटबॉल। ठीक है घट्टो घट एक गेम तो खेलते हैं दोनों भी खेल सकते हैं। ठीक है इस दे विच क्या गया है 300 जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो फुटबॉल खेलते हैं
ठीक है 300 फुट वॉल तो आप इतने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेने, ठीक है ये अपने को वेन डायग्राम होगी का, ठीक है। उस तो बाद ना अपन क्या गया है एज मैनी एज 300 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, फुटबॉल किने खेलते हैं 300, ठीक है हॉकी किने खेलते हैं 250, तो इतने बना लिया अपने हॉकी, और दोनों किने खेलते हैं 110 ने जेडे ये दोनों खेलते हैं कॉमन ने, ठीक है। अपन की पूछा गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किने होने 300 प्लस 250 550 माइनस किए अपने 110, क्योंकि ये भी ऐड हो गए ये भी ऐड हो गए, इस करके अपने माइनस करते तो वैल्यू किनी आ गई 440, ठीक है ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद फुटबॉल वाले पूछे गए ने 300 के 110 माइनस किया, 300 के 110 माइनस किया तो 190 आ गए, ठीक है 440 190 आंसर बन गया अपना, बी ऑप्शन आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का, 440 190 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनूगा जो कि आपको बी ऑप्शन के दिता गया, ठीक है। यह आपको क्वेश्चन पूछे गए सी सारे के सारे जो मैथ और रीजनिंग तो क्वेश्चन पूछे गए सी। नेक्स्ट आप देखते हैं जो जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग तो क्वेश्चन पूछे गए सी उन्होंने आप कवर करते हैं, ठीक है। इस टोटल 25 क्वेश्चन पूछे गए सी जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग तो इन्हों कवर करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया सी जो मालवा रीजन है, टोटल 3 रीजन है पंजाब दे विच, ठीक है माझा, ठीक है मालवा ते दुआबा, 3 रीजन है पंजाब दे विच, माझे दे विच 4 जिले ने, दुआबे दे विच भी 4 ने, ते मालवे दे विच किन्ने हो गए उन्होंने 15, क्योंकि मलेरकोटला नवा बन गया, ठीक है संगरूर तो अलग हो गए, इस करके ही पूछा आपको मालवे दे विच किन्ने जिले ने 15 ने, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 15, ठीक है। नैक्सट देखो दुड़की जो है यह लाला लाजपत राय का बर्थ प्लेस है, पंजाब के किस जिले के आता है, यह आता है मोगे के, मोगा आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन मोगा, ठीक है। जो बजट 2021 का जो बजट आया सी इस दे विच जो सीनियर सिटीजन ने इन्हां दी एज किन्नी कंसीडर की जाती है, ठीक है सीनियर सिटीजन की, ठीक है जिन्होंने इनकम टैक्स के जी इंट्रस्ट जी पेंशन मिलती है, ठीक है उस दे रिलेटेड अपनी जी सीनियर सिटीजन की एज है वो किन्नी अज्यूम की जाती है, वो की जाती है 75 साल, आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 75 साल। इस दे विच जो एन जी एल है ये गलत दिता गया सी आपां नूं, इह एक्चुअल दे विच एन जी सी 691 सी, ठीक है एन जी सी 691 सी, यह की एक यह एक गलैक्सी है, ठीक है यह एक नासा के द्वारा जो हबल टैलीस्कोप है उस रिलेटिड एक गलैक्सी है, यह एन जी सी 691 आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन गलैक्सी। नेक्स्ट देखो पंजाब जो है यह डोमैसटिक बॉर्डर शेयर करता है किनिया स्टेट्स के नाल किन्ने यूटी के नाल, पंजाब जो है यह 3 स्टेट्स के नाल 2 यूटी के नाल शेयर करता है, यूटी किहड़े हो गए जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है जम्मू एंड कश्मीर और जो एक हो गया चंडीगढ़ हो गया, ठीक है स्टेट्स केड़े हो गए हरियाणा हो गया, ठीक है राजस्थान हो गया तो हिमाचल हो गया, हिमाचल यह 3 स्टेट्स हो गया, ठीक है 3 स्टेट्स 2 यूटी तो आंसर बन जूगा अपना ए ऑप्शन 3 और 1। इंडिया और पाकिस्तान के जो लाइन है उसको की बोलते हैं, इसको रेड क्लिफ बोलते हैं, आंसर बन जूगा बी ऑप्शन रेड क्लिफ, ठीक है। फ्रंटायर गांधी का जो टाइटल है वो किनू दिता गया, फ्रंटायर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफर खान, आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन अब्दुल गफर खान। रोलैंड गैरोज इज एसोसीएटेड विद विच स्पोर्ट, ठीक है रोलैंड गैरोज किस स्पोर्ट के नाल एसोसीएट ने, रोलैंड गैरोज जो ने यह लॉन टैनिस के नाल एसोसीएट ने, आंसर बन जूगा सी ऑप्शन लॉन टैनिस, ठीक है। नैक्सट देखो 54th नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन इस दे विच पूछा गया अपन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज वर कॉल्ड प्रेजीडेंसी बैंक्स, प्रेजीडेंसी बैंक्स किनू बोलते हैं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन्हों बोलते हैं, आंसर बन जूगा अपना डी ऑप्शन ऑल ऑफ द दीज आर करैक्ट, ठीक है इन्ह सारे बैंक्स की बोलते हैं आप प्रेजीडेंसी बैंक्स बोलते हैं, ठीक है आंसर बन जूगा अपना डी ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। नैक्सट देखो इस दे विच पूछा गया आपां नूं किन्ने बैंक ने जिहड़े नैशनलाइज किए गए ने 1980 दे विच किन्ने बैंक ने जिहड़े जिन्हां नूं नैशनलाइज किया गया सी, इन्हां दी संख्या है 6 बैंक ने जिहड़े इन्हां दा राष्ट्रीयकरण किया गया सी 1980 दे विच, आंसर बन जूगा इह ऑप्शन, ठीक है। हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ मोनिटरी रिजर्वज इन इंडिया, यानी मोनिटरी रिजर्वज जो होंगे ने इंडिया दे विच इज़ द कस्टोडियन कौन होंगे, यह होंगे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आंसर बनूगा डी ऑप्शन, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने लिए मैंबर की जी एज है वो कितनी होनी चाहिए आ, ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने लिए जी एज है एक परसन की होनी चाहिए है अबव 18 ईयरस, यानी 18 साल तो वध होनी चाहिए एज, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन अबव 18 ईयरस, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट पूछा गया अपन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नूं रजिस्टर करवाना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर किन्ने परसन रिक्वायर्ड ने, तो 10% रिक्वायर्ड ने, आंसर बन जूगा बी ऑप्शन 10 आंसर बनेगा बी ऑप्शन। नैक्सट देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसान दिता गया है, यह दिता गया है चैस के
खिडारी विश्वनाथन आनंद नूं फस्ट रिसीपियंट हुई सी इह। ठीक है, फस्ट व्यक्ति सी जिन्हां नूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिता गया सी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना डी ऑप्शन, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, रेडियोलॉजी दे विच एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है MRI। MRI दी फुलफॉर्म की है, MRI दी फुलफॉर्म है मैगनैटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आंसर बन जूगा बी ऑप्शन, मैगनैटिक रेजोनेंस अमेजिंग। उस तो बाद 101 जो है बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल दे विच कन्वर्ट करना है, तो आप किवें करांगे 101 एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, ये नीचे आप दो लिखांगे, दो दो दो। ठीक है, इन्हां दे विच पावर लिखते होंगे आप 012। ठीक है, जो तो आप दो की पावर 10 किया तो इतने आ जाओ 1, दो की पावर 0 कि कुल होंगे 1 दे 1 गुणा 1 किया तो वैल्यू होगी 1 इतने। ठीक है, दो की पावर 1 2 आ गया, 2 गुणा 0 किया तो वैल्यू होगी 0। ठीक है, उस तो बाद 2 गुणा 2 किया 4, 4 गुणा 1 4 आ गया, 4 प्लस 0 प्लस 1 वैल्यू नहीं आ गई 5। इसमें अपने कन्वर्ट कर लिया कहते डेसीमल नंबर के आंसर बन जूगा ए ऑप्शन 5। ठीक है, नैक्सट देखो, विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। इस दे विच आपनूं पूछा गया है जो क्लोजेस्ट स्पीड होंदी है लाइट, यानी वैक्यूम दे विच जो लाइट की स्पीड होंदी है किन्नी होंदी है, ये होंदी है 300,000 km/s। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर अपना बनेगा ए ऑप्शन, 300,000 km/s स्पीड होंदी है इस दी लाइट की वैक्यूम दे विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन। नैक्सट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, वट वॉज द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो ओरिजिनल फंक्शन है वो की है, ए है बैल टावर। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बैल टावर। ठीक है, नैक्सट देखो, जो इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन होंगे ने इस दे विच जो हाईएसट वेवलैंथ होंगी, इसका कलर विजिबल कि होंगे, इस दे विच जो कलर विजिबल होंगे वह होंगे रैड। ठीक है, आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन रैड। OMR की फुलफॉर्म की है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकोगनीशन कह सकते हैं। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, ऑप्टिकल मार्क रिकगनीशन। ठीक है, इस दे विच रिकगनीशन की जगह रीडर भी दिता हो सकता है। ठीक है, आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है, फार्मर्स डे जो इंडिया के कदों ऑब्जर्व किया जाता है, यह सैलीब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, 23 दिसंबर। ठीक है, चौधरी चरण सिंह का बर्थडे होंगे। ठीक है, इस दिन इस आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन 23 दिसंबर। उस तो बाद फस्ट इंडियन पहले भारतीय कौन बने से जिन्होंने ओलंपिक गोल्ड मैडल जितया सी ओलंपिक्स के, यह बने से अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो ने इन्हों के द्वारा जितया गया सी ओलंपिक गोल्ड मैडल। ठीक है, फस्ट इंडियन बने से। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। नैक्सट देखो, पहला जो महीना होंगे साका कैलेंडर के वो कि होंगे, पहला जो महीना होंगे साका कैलेंडर के आता है चैत्र। चैत्र आंसर बनेगा अपना ए डी ऑप्शन, चैत्र। ठीक है, फस्ट जो ऑडिशन होया सी IPL का इंडियन प्रीमियर लीग का, इसनों किसने जितया सी, इसनों जितया सी राजस्थान रॉयल्स ने। आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, राजस्थान रॉयल्स। जो मलेरकोटला है यह 23वां जिला बनया पंजाब दे विच, किस तो अलग होकर बनया, संगरूर तो अलग होकर बनया, तो आंसर बन जूगा ए ऑप्शन संगरूर। नैक्सट अपने को जो क्वेश्चन पंजाबी और इंग्लिश तो पूछे गए हैं उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन अपने कवर कर ले जो इस पेपर के पूछे गए सी GK तो। ठीक है, हुण आपां देखदे आं जो पंजाबी दे विचों 15 क्वेश्चन पुछे गए सी, इन्हां नूं कवर करदे आं। ठीक है, पंजाबी दे विचों पहला क्वेश्चन आपां नूं पुछा गया सी 71 नंबर क्वेश्चन, मैं हर रोज़ सैर करदा हाँ, यह किस प्रकार का वाक है। यह एक देख सकते हैं आपां, मैं हर रोज़ सैर करदा हाँ, एक सधारण वाक। ठीक है, संयुक्त होंदा जदों दो वाक ने जिहड़े मिलके एक वाक क्रिएट करदे ने। ठीक है, उसनूं संयुक्त वाक बोलदे आं। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन, सधारण वाक। मैं हर रोज़ सैर करदा हाँ, यह की है एक सधारण वाक है। आंसर बन जूगा सी ऑप्शन। ठीक है, उस तो बाद आकड़ का जिहड़ा सही अर्थ दिता गया है वह किस दे विच दिता गया है, हंकार अकड़ेवां। ठीक है, सख्त होना, तीनों आकड़ के सही अर्थ ने, तो आंसर बन जूगा उपरोक्त सारे। ठीक है, सारे के सारे जिहड़े आंसर ने बिल्कुल सही दिते गए हैं, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिते गए हैं। खाण पीन बांदरी डंडे खानू रिछ, तुमने यह कहावत जी सुनी होगी। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन रिछ, खाण पीन बांदरी डंडे खानू रिछ। किस्मत बदल देनी मुहावरे का अर्थ आपको पूछा गया है, यह किस्मत बदल देनी किस मुहावरे का अर्थ है, यह है रेख विच मेख मारना। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, रेख विच मेख मारना का अर्थ होता है किस्मत बदल देनी। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। किहड़े वाक विच विस्मिक चिन्ह की ठीक वरतों हुई है। ठीक है, इस दे विच आपां नूं पुछा गया है किहड़े वाक दे विच विस्मिक चिन्ह जो है इसकी सही वरतों की गई है, यह की गई है
विस्मिक चिन्ह है तू फेल हो गया। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना ए ऑप्शन, है विस्मिक चिन्ह तू फेल हो गया। शुद्ध शब्द अपने चुनने के गहना जो है इस जो शुद्ध शब्द दिता गया वह दिता गया अपन गग्गा हाए न सियारी नाने कन्ना। आंसर बन जूगा ऑप्शन गहना। ठीक है, इस दिवस समान अर्थक नहीं है यह जो क्वेश्चन है पेंडिंग पा दिता गया सी। ठीक है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा। ठीक है, जो 77 नंबर क्वेश्चन है इसको पेंडिंग पा दिता गया सी। ठीक है, नैक्सट देखो 78 नंबर क्वेश्चन, उत्तों बीबियां डैश विचों काले कां, उत्तों बीबियां विचों काले कां, इस दे विच जो ब्लैंक है इसको अपने फिल करना है, उत्तों बीबियां दाड़ियां विचों काले कां। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, दाड़ियां। ठीक है, इतने की आ जाऊगा दाड़ियां। ठीक है, उत्तों बीबियां दाड़ियां विचों विचों काले कां। ठीक है, नैक्सट देखो, किस मुहावरे का अर्थ ईरखा होना है, ईरखा होना जो है यह किस मुहावरे का अर्थ है, यह आपको पूछा गया इस क्वेश्चन के विच, यह जो अर्थ है किसका, यह है अखा विच रड़कना। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना भी ऑप्शन, अखा विच रड़कना। इस दे विच जो शुद्ध शब्द है वो अपने फाइंड करना है 80 नंबर क्वेश्चन के विच, इस दे विच जो शुद्ध शब्द दिता गया वो दिता गया अपन फेहना, फफे नू सियारी हा हा नाने नू कन्ना। आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन फेहना। इस दे विच अपने शुद्ध जिहड़ा वाक है वो फाइंड करना है। ठीक है, इस दे विच जो सही अपन शब्द यानी शब्द जो अपन सही वाक दिता गया है वह दिता गया है हाए विस्मिक चिन्ह मैं किधर जावा। आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, हाए विस्मिक चिन्ह मैं किधर जावा। आंसर बनूगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन, ओह मज जागा जो हर साल सोए इस बोलते हैं हर वरियाई। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन, हर वरियाई। हंकार शब्द का विरोधी शब्द दसो, हंकार शब्द का विरोधी शब्द की है, निम्रता। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन, निम्रता। मछेरा शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग दसो, मछेरा शब्द का जो स्त्रीलिंग दिता गया है वह दिता गया है मछेरन, मम्मा छछे नू लावा रारा नन्ना, यह है मछेरन। आंसर बनेगा सी ऑप्शन मछेरन। थल शब्द का समानार्थक शब्द दसो, थल शब्द जो है इसका समानार्थक दसना अपने, इसका समानार्थक है टिब्बे। आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन टिब्बे। ये 15 क्वेश्चन पूछे गए सी पंजाबी व्याकरण तो, यह अपने कवर कर ले। हुण देखते हैं आप जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए से उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, इस दे विच जो एटरनल है, ठीक है, जो एटरनल है इसका अपन की पूछा गया है सनोनियम, इस दे विच जो एटरनल है इसका जो सही सनोनियम दिता गया है वह दिता गया है एवरलास्टिंग। आंसर बन जूगा इस क्वेश्चन का अपना एवरलास्टिंग। ठीक है, इस दे विच अगेन अपन सनोनियम पूछा गया है प्रोस्परस, प्रोस्परस का जो सही अपन सनोनियम दिता गया है वह दिता गया है थ्राइविंग, थ्राइविंग। आंसर बनेगा सी ऑप्शन ब्राइटन, ब्राइटन का जो अपन एंटोनियम पूछा गया है वह है फेड, एफ ए डी ई फेड, यही कि इसका एंटोनियम उल्ट शब्द। आंसर बनेगा बी ऑप्शन फेड। ठीक है, गिगेंटिक, गिगेंटिक होंगे विशाल, इसका एंटोनियम पूछा गया है टीनी यानी छोटा। ठीक है, जो टीनी है काफ़ी छोटा होंगे, गिगेंटिक होंगे काफ़ी विशाल होगी। ठीक है, इसका ऑपोजिट की हो गया टाइनी। आंसर बनेगा ऑप्शन। ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर का अपन की पूछा गया है एंटोनियम। ठीक है, इसका जो एंटोनियम है वह है काउज। आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन काउज। ठीक है, इस दे विच अपने अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, शी वाज, शी हैज़ बीन अस्पायरिंग डैश दैट पोस्ट, शी हैज़ बीन अस्पायरिंग डैश दैट पोस्ट। ठीक है, इस दे विच जो अपने कोल अप्रोप्रिएट वर्ड है जिहड़ा कि यूज़ किया जाऊगा वह किया जाऊगा टू, शी हैज़ बीन अस्पायरिंग टू दैट पोस्ट। आंसर बन जाएगा टू। ठीक है, इस दे विच पूछा गया अपन अप्रोप्रिएट अपने वर्ड वर्ड जिहड़ा फाइंड करना है। ठीक है, बेसिकली आर्टिकल जिहड़ा है वह फिल करना है अपने, मेक हे वाइल द सन शाइनज। ठीक है, इतने क्या जूगा द सन शाइनज। ठीक है, इस दे विच अपने वर्ड फिल करना है, बिफोर शी डैश यू विल हैव लेफ्ट। ठीक है, इस दे विच जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वह फिल करना है अपने, बिफोर शी कम्स यू विल हैव लेफ्ट, इतने क्या जूगा कम्स, कम्स यानी आंसर बनूगा सी ऑप्शन कम्स। इस दे विच जो करैक्टर सेंटेंस है वह अपने फाइंड करना है, इस दे विच जो करैक्टर सेंटेंस है वह की दिता गया, आवर शोरूम इज ऑपोजिट द यूनिवर्सिटी। ठीक है, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन, आवर शोरूम इज ऑपोजिट द यूनिवर्सिटी। इस दे विच जो करैक्टर सेंटेंस दिता गया अपन वाक वह पूछा गया है किड़ा है, वह है सी ऑप्शन के विच, इट वॉज डिफिकल्ट टू हेयर द स्पीकर बिकॉज आई वॉज सिटिंग एट द बैक। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल 96 नंबर क्वेश्चन,
छियानवे नंबर क्वेश्चन है, इसके भी अपने की फाइंड करना करैक्टर सेंटेंस फाइंड करना, ठीक है। इसके जो छियानवे नंबर क्वेश्चन में जो करैक्टर सेंटेंस दिता गया वो दिता गया बी ऑप्शन, द न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड सून, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, द न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड सून। इसके प्रेपोजिशन फिल करनी है, ही लैफ्ट फॉर कोलकाता डैश ट्रेन, जो भी आप कोई प्रेपोजिशन यूज करनी होंगी है, ठीक है, यह बेसिकली ट्रैवल सोर्स का काम कर रहा है, ट्रेन जो ट्रैवल सोर्स का काम कर रही है, उसके आप जो प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो बाय यूज करते हैं, तो इस करके आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आंसर अपना डी ऑप्शन बाय, ठीक है। इस भी अपने प्रेपोजिशन फिल करनी है, द मैनेजर वॉज एंग्री, द मैनेजर वॉज एंग्री डैश हिज स्टाफ, ठीक है, ये क्या आएगा विद, विद हिज स्टाफ, आंसर क्या आएगा अपना ए ऑप्शन विद। द कप इज फुल फुल ऑफ सूप, ठीक है, ऑफ आ जाएगा आंसर बन जाएगा ऑफ, ठीक है। उस तो बाद हैजीटेंट, हैजीटेंट का जो अपन ये सनोनी पूछा गया है वो है अपना डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल जी चीज़ हो उसको आप हैजीटेंट बोलते हैं, तो आंसर इस क्वेश्चन आ जाएगा डी ऑप्शन डाउटफुल, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन जो इस इंग्लिश से पूछे गए थे इस पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क पेपर के, सारे के सारे अपने क्वेश्चन कवर कर ले, 100 दे 100 क्वेश्चन अपने डिटेल के कवर कर ले, ठीक है, इस पेपर के जो पूछे गए थे। इस तो अलावा यह है कंप्लीट डिटेल पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट दे कोर्स की जो कि आपने डिस्कस की है, यह जो कोर्स है तुहानू साडी एप्लीकेशन के उपर मिलेगा जिसका नाम है पंजाब आई क्यू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जूगा, डायरैक्ट तुसी इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस दे विच सब तो टॉप ते तुहानू पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स मिलेगा, इसनू तुसी बाय कर सकते हो, ठीक है। यह लिमिटेड टाइम्स के लिए ऑफर रहेगा, 1799 रुपए के जोड़ा कंप्लीट कोर्स है वह साड़ी तरफ तो प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले जोड़े 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ही यह जो कोर्स है 1799 रुपए के प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो क्लासेस भी मिलनगियां तुहानू ते नाल PDF स्टडी नोट्स भी मिलने, ठीक है। इस सब तो वीडी गल की है, इस अपना जो इस वीडियो क्लासेस के नाल आप इस प्रैक्टिस सैशनज भी लगावे, ठीक है। सब तो वड्डी गल की है, इस दे विच आपां प्रैक्टिस सैशनज भी लगावेंगे जिस दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसी अपने डायरैक्ट एग्जाम दे विच देखोगे, इन्हां प्रैक्टिस क्वेश्चन दे विचों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपां प्रैक्टिस करांगे इस कोर्स दे विच डिटेल दे विच, ठीक है। जदों आपां तैयारी करन लगते हैं तो आपां नूं सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करदी है प्रैक्टिस, ठीक है। इस दे विच आपां मैक्सीमम क्वेश्चन जिहड़े उन्हां दी प्रैक्टिस करांगे, काफ़ी प्रैक्टिस करांगे तां कि तुहाडा जिहड़ा एग्जाम दे विच इक वी क्वेश्चन जिहड़ा उह ना रह सके, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट बाय करना चाहता है तो जल्दी तो जल्दी बाय कर सकता है, यह जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम ऑफर है, ठीक है, और पहले 100 स्टूडेंट्स नू ही जिहड़ा यह ऑफर है वह दिता जाएगा, ठीक है। सो यह अपना पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का जो पेपर से 2021 दे विच जो कंडक्ट करवाया गया सी, ठीक है। क्लर्क यह जो पोस्टा ने क्लर्क कम डाटा एंट्री ओपरेटर दी ही आई सी 2021 दे विच, उन्हां दे लई पेपर कंडक्ट करवाया गया सी, ठीक है। सारे क्वेश्चन अपने कवर कर ले 100 दे 100, ठीक है। हुण भी 2022 दे विच 745 पोस्टा ने जिस दे विच 738 पोस्टा ने जिहड़ियां उह क्लर्क दीआं होणगीआं, इहदे विच 7-8 पोस्टा ने जिहड़ियां उह स्टैनो दीआं कह रहे ने, ठीक है। जिहड़ियां मोस्टली जिहड़ियां पोस्टां होणगीआं क्लर्क दीआं ही होणगीआं, ठीक है। आपां कह सकदे आ इह अपने कोल सब तों वड्डी ओपरचुनिटी आ, ठीक है, गोल्डन ओपरचुनिटी, गोल्डन चांस आपां कह सकदे आ, क्योंकि अगर आपां SBI दी गल करिए जां फिर कोई भी बैंक दे आपां पेपर दी गल करिए जिवें IBPS हो गया, ठीक है, इन्हां दे विच आपां नूं 2-2, 3-3 पेपर देने पैंदे ने, ठीक है, और इन्हां दे विच आपां नूं 100 क्वेश्चन करन नूं 1 घंटा मिलता, बट इहदे विच पेपर दे विच आपां नूं 2 घंटे मिलते हैं, ठीक है, 2 घंटे मिलते हैं इस पेपर नूं कवर करन दे लई। इत्थे तुसीं देख सकते हो टाइम 10 तों लेके 12 बजे तक होया सी पेपर, ठीक है। इस करके तुहानूं कहा जा रहा है इह जिहड़ा पेपर है तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल तुहाने इस दे रिलेटिड अपनी जिहड़ी तैयारी है वो करनी है, ठीक है। जिहड़े स्टूडेंट IUPS SBI वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट इस पेपर नूं फिल जरूर करन, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो यह भी पोस्ट है बिल्कुल सेम लैवल की पोस्ट है, क्लर्क लैवल की पोस्ट है। अगर आप SBI के फिर IUPS के थ्रू जाने क्लर्क के सेम पोस्ट आपको मिलती है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर क्लीयर करने के बाद मिल जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं हैगी अपनी इस, ठीक है। इसलिए जो स्टूडेंट इस पेपर की वधिया तरीके तैयारी करना चाहते हैं वह स्टूडेंट अज ही कोर्स के एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साड़ी एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जूगा या फिर डायरैक्ट कोर्स का लिंक भी मिल जूगा, उतों भी तुसी डायरैक्ट जिहड़ा कोर्स के एनरोल कर सकते हो। बाकी तुसी प्ले स्टोर तो जिहड़ी साड़ी एप्लीकेशन है उसनों सर्च करके भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है पंजाब IQ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक भी मिल जूगा उतों भी तुसी डाउनलोड कर सकते हो। इस दे विच सब तो उपर तुहानू कोर्स यही मिलेगा पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क का, उतों तुसी इस कोर्स के एनरोल कर सकते हो, ठीक है।
इसके पिछले 100 क्वेश्चन पूछेगी, 100 दे 100 अपने कवर कर ले। अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन इस पेपर के रिलेटिड कोई भी किसी भी क्वेश्चन के रिलेटिड तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो, तो 101% तुम्हें रिप्लाई किया जाऊगा और जो डाउट होगा इस 100 क्वेश्चन के रिलेटिड वह भी तो जो डाउट है वह भी क्लीयर किया जाऊगा। अगर तुम इस पेपर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो साडा जो टैलीग्राम चैनल है जिसका नाम है पंजाब IQ इस ज्वाइन कर सकते हो। इस टैलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वह भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जूगा, उतों तुम टैलीग्राम चैनल भी जुड़ सकते हो। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के जोड़ा यह कोर्स है अपना पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कलर्क का जो कोर्स है, इस 2021 जो मैनेजर का एग्जाम हो गया, IT का पेपर हो गया या फिर सीनियर मैनेजर का एग्जाम हो गया, जिन्हें भी पेपर कोऑपरेटिव बैंक के कवर करवाए गए हैं, ठीक है, जो भी कंडक्ट हुए थे 2021 वो सारे आप कवर करा इस कोर्स के सारे के सारे कवर करा, जिन्हें भी पेपर 2021 हुए थे, ठीक है, जो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे, चाहे कलर्क का पेपर हो, मैनेजर का हो, IT ऑफिसर का हो, सीनियर मैनेजर का हो, किसी का भी हो, सारे आप कवर करा इस कोर्स के, ठीक है। इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। अगर वीडियो वधिया लगे तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर तुमने साडा चैनल पंजाब IQ हाले तक सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन भी जरूर प्रेस करना है, ठीक है। सो इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।